হইছে। इतने लोगों में से किसी के पास दिमाग नहीं है क्या? इसमें क्या आश्चर्य है, आप ही की तो चले हैं वो। क्या बोल रहा है तू? टंग स्लिप। ए, क्या तुम लोग मुझे छोड़ के भाग रहे हो क्या? पहले से ही मैं टेंशन में हूँ, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो क्या? ठीक है। अरे भाई, अब संडे है, राइट साइड पहन लो। ठीक है भैया। भैया, बाल बनाना भूल गए आप? ओह, थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। आज अच्छे से नाश्ता करके जाना। अच्छा ठीक है, आज मैं बिल्कुल पेट भर के जाऊंगा, ठीक है ना? अरे मूर्ति, तुम कितनी देर हो गई तुम्हें आकर? मैं यहाँ कभी भी आऊँ गुरु, मैंने तो तुम्हें तोते से बात करते सुना है, लेकिन वो तुम्हें और तुम उसको इतने अजीब तरह से बात क्यों करते हो? दरअसल वो सब कुछ होने के बावजूद बिना माँ बाप के रहता हूँ ना, इसलिए उससे सारे रिश्ते के साथ बात करता हूँ, जिससे उनकी कमी ना खले। ए, इतना सेंटीमेंट होने की बात नहीं है, आज का प्रोग्राम क्या है बताओ? कल प्रसाद में केरवानी जी का रिकॉर्डिंग है, मुझे 7 बजे कॉल करना। ठीक है, चलो जाओ। कौन है वो काला कलूटा? गलत है, ऐसा नहीं कहते हैं, चुप रहो। तो फिर हमारे बारे में ऐसे क्यों? टेक करते हैं। ऑल राइट, MRC एंड मेलोडी कंबाइंड्स, प्रोडक्शन नंबर 1, सॉन्ग नंबर 1, टेक 1, रोलिंग। God bless. Start. Ready, sir? 1, 2, 1, 2, 1. Cut, cut. ए मुरली, क्या हुआ? क्या तुम नोट्स देखकर नहीं गा रहे हो? सॉरी सर। जेमिनी सर, कोरस में शालिनी है क्या आज? हाँ सर। हाँ, वही सोचा था मैंने। क्या हुआ मूर्ति? हाँ सर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मुरली जब भी सोलो वायलन बजाया करो, शालिनी को लेकर मत आया करो। उसकी वॉइस अच्छी होती है सर, इसीलिए। वॉइस तो अच्छी है उसकी, पर आज मेरा गाना भी होना चाहिए ना। साइलेंस। जेमिनी। जी सर। मुरली की पोजीशन बदलो और उसे वहां कहीं और बिठाओ। सर, नो नो सर, इस बार मैं अच्छे से बजाऊंगा। मुझे तुम्हारे टैलेंट पे कोई शक नहीं है, पर तुम्हारी नजरें जब कोरस रूम पर पड़ती हैं, तो तुम्हारी ये वायलन तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती है, मुझे पता है ये उसके बारे में। अब और क्या देख रहे हो यहाँ पर, जाकर उसके चेयर पोजिशन बदलो। इडियट। रेडी, रोलिंग, टेक 2। 1, 2, 1, 2। बगल की सीट में मैं आकर बैठ जाऊंगा। यू? इट्स मी। बोलिए, कौन चाहिए आपको? मुझे पूछ रहे हो? यस। असल में कौन हो तुम यहाँ के, जाकर तुम अपने ऑनर को बुलाओ। क्या तुम्हें मेरे ऑनर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? अपॉइंटमेंट? यस। ये क्या, तुम्हें रामा नायडू का लैब दिख रहा है या कोई प्रसाद लैब है क्या? माचिस के इतने स्टूडियोज लगाकर तुझे अपॉइंटमेंट चाहिए क्या? जा यहाँ से, जाकर ऑनर को बुलाओ। हाय मुरली, कितनी देर से आए हो तुम यहाँ? बस अभी आया था। वो अजीब आदमी को कहाँ से लेकर आए हो तुम? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो जो मैंने फोटो दी थी वो क्या रेडी हो गई है? अरे कब की रेडी है बॉस, मैं तो मस्त एडिट करके रखा है तुम्हारे लिए।
प्रिंट तो जबरदस्त निकला है। जल्दी 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 दो। देखो एक बात बताओ, तुम्हारे स्टूडियो में फोटो की भी प्लास्टिक सर्जरी होती है क्या? क्या हुआ बॉस? ये देखो जरा। अरे ये कैसे हो गया, कवर बदल गए हैं? कवर बदल गया है? क्या कह रहे हो तुम, पूरी फोटोज ही बदल गई है यहाँ। मेरी शालिनी की फोटोज कहाँ हैं? सॉरी बॉस, गलती से तुम्हारा कवर उसको और उसका कवर यहाँ रह गया है। कवर बदल गया है, इतनी आसानी से कह दे रहे हो तुम? वो सिर्फ फोटो ही नहीं है, वो मेरी जान है। मेरी शालिनी की फोटो अगर मिस हुई तो देख लेना। नहीं होगी बॉस, मेरी कसम, वो लड़की मेरी रेगुलर कस्टमर है, यहाँ बस मथुरा नगर में रहती है वो। बस तुम एक 10 मिनट बैठो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उस लड़की के यहाँ कवर देकर मैं अपना कवर ले लूंगा। एड्रेस दो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं फोटो स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। मैं खुद ही आपको कॉल करने वाली थी, लग रहा है फोटो बदल गए हैं। हेलो, एनीबॉडी देयर? आप महालक्ष्मी? अरे तुम महालक्ष्मी हो ना? आप कौन है? Heads of my memory power. आप क्या? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? कहीं तो देखा है मैंने आपको, लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे। बचपन में हम दोनों केसरी हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक ही साथ गुड्डा गुड़ियों की शादी कराते थे। मैथ टीचर जब तुम्हें मारती थी, वो मुझे पसंद ना आकर मैं उन पर चिल्लाता था। HM मैडम से कहकर मुझे स्कूल से निकलवा दिया था। मुरली? Yes, the same old मुरली। अभी क्या कर रहे हो मुरली? जीजे के लिए पीजे लगा कर रखा हूँ। क्या जीजे के लिए मतलब? जी मतलब गवर्नमेंट, जे मतलब जॉब। वो कैसे भी मुझे लगेगी नहीं, वो समझकर वंकेश सर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो तो फेमस वायलिनिस्ट है ना? I know, वो एक टाइम पर फेमस, पर अभी मैं हूँ। सिनेमा रिकॉर्डिंग से लेकर कोई भी दूसरे रिकॉर्डिंग तक कोई भी इम्पोर्टेंट म्यूजिक मेरे बिना नहीं होती है, कभी कभी फॉरेन ट्रिप्स भी। ये है मेरी स्टोरी। अब तुम अपनी स्टोरी बताओ। जी तो नहीं किया है मैंने, लेकिन मैंने पीजी कर ली है। अभी फिलहाल कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी माँ। बेकार में ही फोटो स्टूडियो वाले को डांट दिया, उसे पहले जाकर मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों? अगर उसके पास ये कवर नहीं बदले होते तो मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ मिल नहीं पाता। थैंक्स महा, रियली नाइस मीटिंग यू, बाय। ओके महा, ये कवर के अंदर के फोटो देखे हैं तुमने? हाँ देखा है। नाम शालिनी है, कैसी है वो? नाम के साथ साथ इंसान भी प्यारा है। उस इंसान से मैं प्यार कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेट्स। क्या कॉन्ग्रेट्स महा, सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ। उस लड़की की तरफ से रिस्पॉन्स एकदम जीरो, वन साइड लव है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में पाकर रहूंगा। थैंक्स महा। तुम्हारे कवर्स में जो फोटो थी वो भी देखा है? He is your man. I am right. अरे बाप रे, देखो कितना शर्मा रही हो। नाम क्या है? मधु। बहुत अच्छा है। He looks very handsome. तुम दोनों made for each other. All the best. महा, ये क्या है? पैर में पहनने वाले पायल को तुम यहाँ ग्लास में लगा कर रखी हो? आइडिया किसका है? तुम्हारा या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? किसी का भी हो, सिंपल इज सुपर। चलो मैं आता हूं। हाय महा। हाय मुरली। क्या है ये महा, हम ऐसे सडन में कैसे मिल रहे हैं? क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले में बैठी हो? ओहो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए क्या? क्या हुआ, चेहरा एकदम डल क्यों दिख रहा है तुम्हारा? बहुत देर से वेट कर रही हो क्या? महा, टेल यू समथिंग, ये वेट करना जितना बोरिंग होता है उतना ही थ्रिल भी होता है ये। आई एम करेक्ट? आ जाएगा वो। प्यार करने वालों को बहुत धैर्य रखना चाहिए। मुझे देखो, करीब एक घंटे से जैसे चोर को पुलिस वाले ढूंढते हैं, वैसे ही शहर के कोने कोने में ढूंढ रहा हूँ उसे। अब मुझे बहुत लेट हो गया, फिर मिलते हैं, बाय। सुनो वहां, हाँ? नेक्स्ट टाइम जब हम कभी मिलेंगे, मधु से मिलाना मुझे, ओके? ओके। ओह गॉड, कोरस ग्रुप में खड़ी रहने वाली 10 लोगों में से मैं एक हूँ। मुझे बड़ी सिंगर बनना है, मेरे गाने वीडियो एल्बम के जैसे आने चाहिए। बड़े बड़े सिंगर जैसे अलीशा चिनाई, श्वेता सेट्टी, उन लोगों के जैसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है।
पर मुरली नाम का एक लड़का प्यार प्यार कह के मेरे पीछे घूमता रहता है। हर समय मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। उसके ऐसे सताने से मुझे कोई फर्क ना पड़े इतनी शक्ति देना। मेरी प्रार्थना सुन लो गॉड। बेटा प्यार जीवन को चलाने वाला सबसे मुख्य आधार है, ना ही कोई बाधा है वो। हर किसी को प्यार ही चाहिए बेटा। इस संसार को चलाने वाला प्यार है और प्यार मुझे प्रदान करो। ऐसे तुम्हारे इशू से प्रार्थना करने से वो प्रभु ही तुम्हारे प्यार से तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्यार ही देव है और देव ही प्यार है। ऐसा प्यार जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है तो उसे मना मत करो। क्या तुम असल में इंसान हो? ऐसे पवित्र चर्च में भी तुम अपनी बेहुदा हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया जिससे मैं शर्म करूं शालिनी? जब इतने पवित्र प्यार को मैं इतने पवित्र जगह पर कह रहा हूँ तो इसमें मैंने क्या गलत किया? देखो मैं तुम्हें हजार बार बोल चुकी हूँ, शादी से पहले प्यार व्यार का कोई मतलब नहीं है। जल्दबाजी में ये ली हुई तुम्हारी सोच है खाली। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये, शादी करने से पहले एक दूसरे को प्यार करने का अर्थ है एक दूसरे को समझ सके। ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। बुलशिट! तुम्हारे जैसे रोड साइड रोमियो को, थिएटर्स के लवर्स को, इंदिरा पार्क में बैठे कपल्स को मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे से देखा है। उसमें से 90% लोगों के बीच में प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर तुम्हारे प्यार में गिरने वाली कोई इनोसेंट लड़की नहीं हूँ मैं। और वैसे जो भी मुझ पे तुम्हारा प्यार है उसका क्या कारण है? मेरी सुंदरता और बस ये शरीर है ना, और इसे तुम प्यार समझ रहे हो? ये ड्रामा मेरे पास नहीं चलेगा, कहीं और जाकर ट्राई करो। गुड बाय। एक मिनट रुको। प्यार की डेफिनेशन मैंने अलग अलग तरीके से सुना है, पर तुमने जो मुझे आज मतलब बताया उसके लिए थैंक यू। इतने सालों से तुम्हारे पीछे घूम घूम कर जो सर्टिफिकेट मैंने पाया है उसके वैल्यू आज समझ गया हूँ। थैंक यू, आई डिजर्व इट। ग्रेट, तुम्हें रियलाइज हो गया, बहुत खुशी हुई। रुको शालिनी, मेरी ये आखिरी बात भी सुनकर जाओ। मैं आज से तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। इतने सालों से जो मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा था आज से नहीं घूमूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, इंसान को जीने के लिए जितना दिल की जरूरत होती है वही दिल को जीने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है, ऐसा सोचने वाला मैं। मेरे पास जो कोई नहीं था मैं उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होता था और सच्चे प्यार के बारे में सोचता था। जो तुम कह रही हो कि सच्चा प्यार नहीं होगा वो तुम्हारे अंदर ही जागेगा। जिसे तुम ये ड्रामा कह रही हो ना, यही ड्रामा एक दिन खींच लाएगा। बाय। अगली बार जब भी हम कभी मिलेंगे पहला कदम तुम्हारा ही होगा। चले जाओ यहां से। मेरे इन रिश्तेदारों के लिए तुम्हें घर में बंदी बनाकर रखना सही नहीं है। चले जाओ, जाकर खुले आसमान में उड़ो। मैं नहीं जाऊंगा। ए, अगर तुम सच्चे मेरे दोस्त हो मुझे बिना कुछ कहे चले जाओ। चले जाओ। ठीक है। असल में हुआ क्या था? महा। अरे बाबा क्या हुआ आपको? जरा देखो मैं बच्चों के लिए क्या लाया हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए? मुझे बच्चे चाहिए मैं कितनी बार कहूँ? देखिए हमारी शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं, कद्दू की तरह पेट नहीं चाहिए इतनी जल्दी।
एटलीस्ट फर्स्ट एनिवर्सरी तक तो एंजॉय करने दीजिए। वो एंजॉयमेंट हम बच्चों के साथ ही करेंगे। अपने साथ भी एक नाम होगा, एक का नाम मधु, एक का नाम महा। ट्विन्स होंगे तो खुशी होगी। हम दो, हमारे दो। ओहो, कहने में ही कितना थ्रिलिंग लग रहा है। नहीं, बहुत इरिटेटिंग है ये। अभी बच्चे पैदा करना नहीं होगा मुझसे। मुझसे होगा ये? क्या आपको मजाक लग रहा है? नहीं, हमें तो बहुत टाइम हो गया। अरे उतारो मुझे। सुपर। अरे मधु, तुमने तो आग लगा दिया। ड्रामा के हर सीन में ऐसे चार चंद लगाओगे, रियल लवर हो तुम लोग, इसीलिए तो सिलेक्ट किया था मैंने तुम्हें। थैंक यू चमचास। कल होने वाले इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में तुम लोग भी ऐसे नेचुरली ही करोगे तो अपने ड्रामा को निश्चित रूप से पक्का फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा। ऐसे ही तालियों के साथ पूरा ऑडियंस चिल्लाती रहेगी तुम्हारा नाम। अब बंद करो चमचास। मैंने अपना ड्रामा दिखाने के लिए कल दो बड़े प्रोड्यूसर्स को बुलाया है। वो दोनों हमारा ड्रामा देखने के बाद मैं सिनेमा डायरेक्टर बन जाऊंगा। कट करने के बाद शिमला में अपना गाना शूट करूंगा मैं, और एक कट बोलूंगा तो तुम लोग शादी करके हनीमून वही मनाने जाओगे। उसके बाद कट करोगे तो केक कट जाएगा। हा? अपना मुंह बंद करके अगला सीन बताओ, मुझे और महा को बाहर जाना है। जीऊंगा, आग लगा देने वाला सीन दूंगा मैं, एकदम मस्त ट्विस्ट दूंगा, सेंटीमेंट के लेटेस्ट। बच्चों के लिए तुमने जो इतना टॉर्चर सहा है, आखिर में वो बर्दाश्त नहीं करके महा आत्महत्या करके मर जाएगी। मधु, तुमने उन्हें थप्पड़ क्यों? अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, इसे जान से मार देना चाहिए। बोल रहा है तुम मर जाओगी। ओ मधु, ये सिर्फ ड्रामा है। ड्रामा है तो क्या हुआ? कितनी देर तक तुम मुझे देखोगे? कितना भी देख लूं तुम्हारा चेहरा, मेरा मन ही नहीं भरता। बहुत खुश हो गई मैं। वैसे आज डेट क्या है? 5 तारीख। और महीना? अप्रैल। अप्रैल 5 के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हुआ होगा कोई ना कोई, पैदा हुआ होगा या हो रहा होगा। और कोई नहीं, मैं ही पैदा हुई थी। आज मेरा बर्थडे है। सच में? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। और वैसे भी तुम्हें मेरा बर्थडे क्यों याद रहेगा? माँ, सूरज निकलना भूल सकता है और चांद अपनी रोशनी के बिना, लेकिन मैं तुम्हारा बर्थडे और तुमसे जुड़ी कोई चीज नहीं भूल सकता। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अगले बर्थडे से पहले मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूंगा, और उससे पहले मैं तुम्हें जो देने वाला हूँ वो ये पायल है। ये लीजिए। तुमने ये काम क्यों किया? क्यों अंकल, आंटी के हाथ की चाय पियोगे? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम्हारी आंटी के हाथ की बनाई हुई चाय का एक दिन छुटकारा देने के लिए थैंक यू। क्या कहा आपने? अरे नहीं, कॉफी बहुत अच्छी है ये बोल रहा था। बेटी, ये सही कह रहे हैं क्या? ये मधु कहाँ गया है, अभी तक आया नहीं? मैं यहाँ आई हूँ, उसे नहीं पता है अंकल, वो मेरे घर से वापस आएगा। देखा, 100 साल जिएगा। मम्मी, मम्मी, क्या मधु यहाँ? हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे बताया क्या? मैं तुम्हारे रूम पर जाकर आया। देखो, तुम्हारे लिए कोई लेटर आया है। थैंक यू। वाओ, कॉफी एकदम मस्त है मम्मी, लाजवाब। ये बात तुम उससे कहो, कॉफी मैंने नहीं उसने बनाई है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हे महा, क्या हुआ? Anything serious? मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है, जल्दी वो मुझे घर पे बुला रहे हैं। हमारे बारे में अपने परिवार को बता दो, ये बात मैंने तुमसे कितनी बार कही थी लेकिन तुमने नहीं माना। ऐसी बात नहीं है मधु, मेरे पापा के बारे में तुम नहीं जानते हो। अगर उन्हें अपने प्यार के बारे में पता चलेगा तो वो अभी ही यहाँ से मुझे जबरदस्ती ले जाकर मेरी शादी करवा देंगे, इसीलिए नहीं बताया था। आई सी।
मतलब तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, इतना ही ना? ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे घर का नंबर बताओ। लेकिन क्यों मधु? मैंने कहा अपना नंबर बताओ। 08819। महा, हमारी शादी हो गई है। मधु, हे, तुम क्या बात कर रहे हो? प्लीज डैड, आप इन सब में मत पड़िए। महा रिंग जा रही है, आओ। कम ऑन आइसे। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बात करो। हेलो 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 चाचा जी, चाचा जी मैं महा बात कर रही हूँ। क्या हुआ, अभी तुम निकली नहीं वहाँ से? वो मैं अभी नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही हो तुम? ऐसी बात नहीं है चाचा, मैं यहाँ एक लड़के से प्यार करती हूँ। शादी? हमारी हमारी शादी भी हो गई है। क्या बात कर रही हो? चाचा जी, आपको ही किसी तरीके से पापा को मनाना होगा, प्लीज। ठीक है महा। थैंक यू महा। क्या थैंक्स? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमने सोचा था इसके माँ बाप से पूछकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे, अब हम उनको अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? शांत हो जाइए पापा, हमारी ये शादी की बातें जो गलत हैं, वही सोचकर आप परेशान हैं। इसके अगले बर्थडे से पहले ही हम शादी कर लेंगे और इसके घर वालों को हम समझा देंगे, सब आसानी से हो जाएगा। रुको माँ। क्या हुआ? कुछ अलग आवाज आ रही है। कैसी आवाज? हाँ, मुझे लगा ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तुम्हारी एक फाइल गायब है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। I'm sorry, madam. वो कहीं गिर गई होगी। नहीं, अभी अभी कहीं गिरी, बस अभी। One second. मतलब यहाँ से? तुम यहीं को, मैं आता हूँ। Hey! रुको! Hey, वो फाइल मुझे दे दो। Hey, hey, रुक जाओ! तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। Hey, वो मुझे दे दो। Hey, रुक जाओ। Hey, रुको। Hey, मैंने कहा रुक जाओ। Hey! तुम्हारे मन में ये सब कुछ चल रहा है वो ना जानकर, अनजाने में तुम्हें जितनी बार भी मिलता था मैं तुमसे सिली बातें करता था। मेरी बातों से तुम कितनी दुखी हुई होगी। कोई बात नहीं, जिससे मैं प्यार करता हूं उसके ना कहने से मुझे इतना दुख हो रहा है। ठीक वैसे ही तुम जिससे प्यार करती थी उसे खोकर उसका दर्द भी अपने दिल में छुपाकर कुछ हुआ ही नहीं ऐसी जिंदगी जी रही हो तुम। सच में मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। भगवान की मर्जी, इस उम्र में ऐसी सजा क्यों मिलती तुम्हें? अपने हाथ में क्या है मुरली, ये सारी यादें मैं भूल जाऊं, इसलिए मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया है ताकि मैं दूसरे देश चली जाऊं। ज्यादा समय न लेते हुए तुम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाओ। चुपचाप कौन हो तुम लोग? हम दोनों भाई बहन है सर। आधी रात 12 बजे तुम भाई बहन को इंदिरा पार्क में किस तरह का क्या काम है? रक्त चरित्र मूवी की स्टोरी सुना रहे हो क्या? मैंने इसे कितनी बार पकड़कर लॉकअप में डाला है पता है क्या तुम्हें? वैसे भी सिर्फ 5 मिनट के सुख के लिए भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम करना सही काम है क्या? हाँ, गलत है सर। गलत है ना? इन दोनों को लॉकअप में डाल दो। अब आपका बताओ सर। जी, हम दोनों दोस्त हैं सर। आहा, कैसे सर? आवर बेसिस है या नाइट बेसिस है? सच में सर, हम दोनों दोस्त हैं, माँ कसम सर। सुनो, ये अपने माँ बाप की कसम खा रहा है, उनको बुला के पूछो। अगर सच में दोस्त है तो अभी अभी इसी वक्त शादी करवा दो, या फिर अपने तरीके से इन लोगों की शादी करवाएंगे। तब तक इन लोगों को कॉर्नर बिठा दो, जाओ यहाँ से। अब अपना बताइए मास्टर,
क्या हाल है अब? दूसरे रक्षचरित्र मूवी का टाइटल उन लोगों ने तो यूज ही कर लिया, अब जो बचे हैं वो हैं पति पत्नी हैं? क्या सोच रहे हो तुम दोनों, क्या ये टाइटल अच्छा नहीं है? यू आर राइट इंस्पेक्टर, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। बस अब तो लीड देने की देरी है। वैसे अनजाने में पूछ रहा हूँ, पति पत्नी को इतनी रात गए शमशान में क्या काम है? ओहो, पार्क में होटल में पुलिस वालों का डर लगा रहेगा, यही सोच करके कि यमराज भी नहीं आएंगे इसलिए शमशान घाट चले आए तुम दोनों। बड़े लोगों ने कहा है कि हवस के कारण जिनकी आंखें बंद होती है उनको ना शर्म लगता है ना डर। माइंड योर टंग, सोच समझ कर बात कीजिए। क्या 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 क्या? अरे तुम यहाँ इंग्लिश में बात करोगे तो हम तुम्हें जेंटलमैन सोच कर यहाँ से छोड़ दूंगा क्या? आई एम नॉट सच टाइप। एड्रेस क्या तुम्हारा? नंबर 10 2681 मथुरा नगर। चलो ड्रॉप कर दो तुम्हें। अब क्या सोच रहे हो तुम लोग? सडनली मुझको तुम पे इतना प्यार कैसे आ गया, यही सोच रहे हो क्या? तुम लोग पति पत्नी हो या नहीं बस यही मालूम करना है मुझे। चलो चुपचाप। बेटी महा। चाचा जी आप कब आए? बस अभी आया हूँ, 10 मिनट हुए। मेरे चाचा जी हैं शंकर राव जी। नमस्कार। दामाद जी आप? नमस्ते। तुम दोनों पुलिस की जीप में क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं है, आपके दामाद बचपन से ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीच रास्ते में देखे इसलिए छोड़ने आया हूँ, इतना ही है ना। क्या रे, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं ना? समझा। हाँ हाँ वो है ना, बजा कर आता हूँ। जाओ पर आना मत। ए, गाड़ी स्टार्ट करो। क्या चाचा जी, बिना बताए सडनली कैसे आ गया? सडनली आना क्या है बेटी, पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ ये सोचकर दुखी हो रहा था। तुम्हारे पिताजी की बात को तुमने मना कर दिया है ना, और उन्होंने तुमसे बिना पूछे सब तय कर दिया था। तुम्हारा फोन आते ही वो बहुत शांत हो गए, जब कभी हम उनसे बात करते थे तो उनकी आंखों में एक सुनहरी चमक दिखती थी, लेकिन अब वो चमक नहीं है। और तुम्हारे कारण उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, इसी कारण गुस्सा कम करने के लिए मुझे लेट हो गया। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आप कहाँ चाचा जी? और कहाँ बेटी, अपने घर? अभी नहीं चाचा जी, पापा के गुस्से के बारे में सोचते ही डर लग रहा है मुझे। भैया को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, भैया की जान हो तुम, अभी उनका गुस्सा भी कम हो गया है, चलो चलते हैं। ऐसा नहीं है चाचा जी, हम थोड़ी देर रुक के आते हैं ना। महा मैं क्यों कह रहा हूँ जरा समझो, वो हाँ करने के बाद भी अगर तुम लोग नहीं गए तो और गुस्सा हो जाएंगे, फिर तो तुम्हारा मिलना इम्पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है चाचा जी। दामाद जी आप ही कहिए इससे, आप दोनों की शादी के कारण हमारे घर में सभी दुखी रहने लगे हैं, बच्चों के साथ साथ सब लोग उदास रहने लगे हैं। अरे कम से कम उनके लिए तो घर में चलो, तुम्हें आना ही होगा। देखो मना मत करना प्लीज, ज्यादा मत सोचो दामाद जी, आप लोगों को वहां पर चलना ही होगा। दरअसल मुझे महा से कुछ पर्सनली बात करनी है। बहुत सही है, शादी तो हमारे परमिशन के बगैर कर ली, पर अब खुद की पत्नी से बात करने के लिए मेरी परमिशन चाहिए। अब तुम कुछ भी कहो महा, भैया की अपेक्षा तुमने चुनाव बहुत अच्छा किया है लड़के का, भैया जब दामाद को देखेंगे तो उनका खुश होना पक्का है। क्या है ये माँ, वो ऐसे दामाद कहकर इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ लफड़ा क्यों? जाकर तुम्हारे चाचा जी को सच बता देंगे। अगर हम सच बताएंगे तो वो मेरी शादी करेंगे। शादी करेंगे तो क्या गलत है, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे क्या? माँ मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जो हुआ वो सब कुछ जाकर अपने घर वालों को बता दो। मुरली क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम शालिनी को छोड़ के किसी और से शादी कर पाओगे? चुप क्यों हो गए मुरली, तुम एक साइड प्यार के लिए इतना फील कर रहे हो, फिर मैं ये सब कुछ भूलकर किसी और से कैसे शादी कर पाऊंगी? मुरली तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो ये कह रहे हो ना, मेरी एक छोटी सी मदद करोगे क्या? बिल्कुल करूंगा। जैसे तुमने पुलिस स्टेशन में झूठ कहा था कि तुम मेरे पति हो, क्या तुम ऐसे ही मेरे घर में थोड़े समय के लिए झूठ बोल पाओगे? तुम क्या बात कर रही हो वहाँ, पुलिस स्टेशन से हमें बाहर निकलने के लिए बस मैंने ऐसे ही कह दिया था, सिर्फ वो कहने से तुम्हारे घर जाकर दामाद का रिश्ता निभाऊं? महा हाउ इज इट पॉसिबल, मेरा क्या होगा वहाँ? प्लीज मुरली ज्यादा समय तक नहीं, बस अमेरिका जाने के लिए मेरा वीजा आने तक ही, बस इस सिचुएशन में
मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुरली, बस ये एक हेल्प चाहिए तुमसे, प्लीज। उतरो बेटी, दामाद जी आप भी आइए। मुझे तो लग रहा है दीदी एक अच्छे इंसान को पकड़ कर लाई है। हाँ ना, लड़का एकदम हीरो जैसा है। हमारे घर के दीपक जैसी महालक्ष्मी का हाथ थाम कर उसके जीवन में तुमने कदम रखा है, वैसे ही घर के मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए पहले अपना दाहिना पैर घर के अंदर रखना। भैया कहाँ हैं? कहाँ पे गए मुझे पता नहीं, आप जाके देखो। Hi, I'm Pramila, age 12, just entering into 12. ये है मेरी दीदी उर्मिला, age 15. ये देखो, ये है तुम्हारी सासू माँ, मतलब आपकी पत्नी की माँ। भैया, दामाद जी और माँ आए हैं। घर वालों ने जाके उनकी आरती उतार ली है ना? तो अब मेरा क्या काम? ये जो ब्लू साड़ी वाली है ये आपकी भाभी है, और ये माँ है इन दोनों चिल्लर पार्टी की। अब तुम रखो। हेलो, आई एम सुदीप, फिफ्थ क्लास, हाउ डू यू डू? हेलो अंकल, मेरा नाम सुषमा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुरली। क्यों, उनके पैर धोकर पानी सिर पे नहीं डालूंगा तब तक वो घर में नहीं आएंगे क्या? मैं उन्हें जान से ज्यादा चाहता था, धूमधाम से उनकी शादी करना चाहता था। उन्होंने मेरे सारे सपने बिखेर दिए, मुझे जीते जी मार दिया उसने, कैसे सहन करूं मैं? पापा, पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ करने का और आशीर्वाद देने का अधिकार मैं कब का खो चुका हूं। दामाद जी, नमस्कार। भैया, एक बार आप दामाद जी से बात करके तो देखिए। क्या बात करूंगा मैं उससे, जिसके दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार या सम्मान नहीं है, बिना पूछे हमसे शादी कर ली, उसके साथ क्या बात करूं? मुझे नहीं करना। पता नहीं कब उसकी शादी हुई, उन्होंने कैसे शादी की इसका भी मुझे नहीं पता, कैसे मालूम है ये शादी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस रीति से उनकी शादी हुई है। रजिस्टर मैरिज की हम लोगों ने। तुम्हारी को समझ में आया? वही भैया, रजिस्टर मैरिज में गवर्नमेंट के परमिशन से सिग्नेचर करके। शादी के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए पर घर वालों का आशीर्वाद नहीं चाहिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इन्होंने तो सोच लिया कि इनकी शादी में ना तो हमारा कोई काम है और ना ही कोई जरूरत। कम से कम लड़के के घर वालों को तो पता होगा ना? बिल्कुल नहीं। क्या कहा, किसी तरफ से कोई भी नहीं आया था? बिना परिवार वालों के तो अनाथों की ही शादी होती है। मैं सच में ही अनाथ हूं। शाबाश, क्या बात कही, मतलब जिसे खानदान का पता नहीं वो हमारे घर का दामाद बन गया। अगर कोई जानवर भी खरीदना होता है तो पहले उसके वंश के बारे में पता किया जाता है, और ये राघव वंश का दामाद बनकर आया है जिसके खानदान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत खुशी हुई महा, बहुत खुशी हुई। तुम्हें पालने का बहुत अच्छा सिला दिया है तुमने। पर सुनो महा, एक बात याद रखना, तुमसे शादी करने के बाद वो भले ही तुम्हारा पति बन गया हो पर मेरा दामाद नहीं बन सकता। बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानना, महालक्ष्मी उसकी जान है, उसके हाथों से ये शादी नहीं हुई इसलिए वो गुस्से में तुम्हें कुछ कह रहा है, पर उसका दिल बहुत साफ है बेटा। उनकी बातों से मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है, महालक्ष्मी के ऊपर उनका जो प्यार है बस वही दिखा है मुझे, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मेरा अच्छा बेटा। अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो?
तुम्हें तुम्हारे पापा को गुस्सा नहीं मालूम, बस थोड़े समय के लिए रहता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटी, इसलिए तुम्हें सोने जैसा पति मिला है। अरे रे रे रे, बहुत तारीफ कर ली तूने, अब तेरी नजर लग जाएगी उसे। चल अंदर जा। हमारे घर का बावर्ची है बेटा, अगुंगा है बेचारा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तारीफ कर रहा था। नोट करो। पापा गरारी रीगा। ये थोड़ा बड़े में। हाँ मूर्ति। हाँ सर। मुरली कहाँ है? घर में नहीं है सर, अचानक से गांव चला गया है, और कहाँ गया वो किसी को पता नहीं है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। इस पार्ट में तो 16 वायलिनर बहुत जरूरी थे, अगर वो रहता तो अच्छा होता। परेशानी खत्म हुई और जो भी अब थोड़े दिन के लिए मैं चैन से जीऊंगी। क्यूरी, मैं एक बात पूछू, तुझे किस चीज का इतना घमंड है और उस मुरली में क्या कमी है? तुम्हारे पीछे भागता है इसीलिए इतना घमंड है? अरे मेरी बात तो सुनो, अगर वो मुझे एक बार देख भी लेना, मैं तो उसके साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माता पिता के ना होते हुए भी माता पिता जैसा रिश्ता, चाचा चाची भाई बहन दादी, ओह जो मैंने अपने समय में सोचा था सारे रिश्ते पूरे हो गए। सच में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुरली, पापा की किसी बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच ही बोल दो। इतना कुछ बुरा तो नहीं लगा मुझे, पर तुम्हारे पापा की वो बेस वॉइस, वो फेस में सीरियसनेस, वो सब देख कर मुझे वो क्या है कि थोड़ा बहुत तो डर लग गया था। अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब नई नई शादी होने वाले पति पत्नी बात कर रहे हैं, तो बिना परमिशन के तुम बीच में आकर पूछ रही हो क्या कर रहे हो बेटा, किस काम से आई हो ये तो बता दो, जब देखो बीच में चली आती हो। चुप, मैं बोल रही हूँ ना। कुछ नहीं बेटा, हमारे घर में जिस किसी की भी नई शादी होती है ना, वो हमारे कुल देवता का दर्शन करने के बाद ही दूसरे कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब बातचीत जो भी हो। हाँ, वैसे ही करेंगे, हमें क्या परेशानी है? आपको देखने से तो लगता है कि आप बहुत शांत आदमी हो। किसने कहा आपसे? हाँ, क्या तुमने कुछ बताया? दादी जी, आप बहुत गलत समझ रही हैं मुझे, मेरे अंदर बहुत स्पीड है। स्पीड में है? थोड़ी बहुत स्पीड नहीं, यामा गाड़ी जैसी स्पीड है। यामा गाड़ी जैसी? लगता है आज ही हो जाएगा सब कुछ। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है बेटा, कल पूजा बिल्कुल निष्ठा के साथ करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, पर जब तक? जब तक क्या? तब तक आप लोगों को पवित्र रहना होगा। पवित्र रहना? मतलब क्या हम अभी आपको पवित्र नजर नहीं आ रहे हैं? अरे दादी, आपको बोलना नहीं आता, जो कुछ भी बोलना है सीधे सीधे बोलो ना, ताकि उनको समझ में आए। ए प्रमिला, जा तू ही बोल दे। उन्हें क्या बोला है? चुप बैठो। वेरी सिंपल, इनका ये कहना है कि आज रात आप लोगों को सुहागरात नहीं मनाना चाहिए। इतना ही है या फिर और कुछ कहना है? बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। बस इतना ही बेटा, बस इतना ही। हम लोग चलते हैं। चल अंदर, चल रहे, बहुत बड़बड़ करने लगे हो, चलो अंदर। बेटा, अपनी पत्नी के माथे पे ये माताजी का कुमकुम लगाओ। कुमकुम लगाने के लिए यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे इन सारी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ये हमारे रीति रिवाज है बेटा, लगा दीजिए। आई एम सॉरी। हो गया ना? सब लोग खुश हो गए? इसीलिए कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, ये हमारी खानदानी परंपरा है, सबको साथ रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आया था। देख लिया ना क्या भुगतना पड़ रहा है हमें, यही सब देखने के लिए बुलाया था मुझे। बेटा, तुम दोनों का रिश्ता 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए माता का आशीर्वाद है, ऐसा हमारा मानना है। दामाद जी, सब कुछ हो गया है यहाँ, सिर्फ आप दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले ये झगड़ा क्यों? हमारे लिए नहीं तो माँ के लिए लगा दीजिए। आपसे उम्र में बड़ी हूँ, मगर फिर भी हाथ जोड़ती हूँ बेटा। अरे रे, ऐसा नहीं, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएंगे बेटा। Thank you.
महा रामनवमी के दिन पुजारी माता सीता के गले में मंगलसूत्र बांधते हैं। इसका मतलब पुजारी राम तो नहीं बन गए। पति बनकर तुम्हें टीका लगाया ऐसा समझने दो, पुजारी के जैसा टीका लगाया ऐसा समझ लो। सिंपल। दादी माँ, आप फूफा जी को हमारे वंश की हिस्ट्री बताओ ना। अच्छा, आपके वंश के बारे में ही नहीं, इस पलंग की भी कुछ हिस्ट्री है क्या? छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं है बेटा, 250 साल पुराना इतिहास है इस पलंग का। 300 पति पत्नी को संतान प्राप्ति करवाने वाला ये पलंग है बेटा। दादी, सच में। माँ चुप बैठो, दामाद जी को पता होना चाहिए ना। बेटा, इस बिस्तर पर सिर्फ एक रात आप दोनों सो जाओगे तो बहुत जल्दी माँ बाप बन जाओगे। कहना है तो अच्छे से कहो और पूरी बात कहो, दोनों एक साथ रहेंगे तभी तो कुछ होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद की जैसे मिलना आप लोग। तुम दोनों को तो मैं भी जाती हूँ बेटा, स्वीट ड्रीम्स। सॉरी मम्मी, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान। अरे मुझे क्या परेशानी हो रही है, दूध मीठा वगैरह सब कुछ बिठा कर खिला रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ। फूफा जी, बिस्तर थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना, हमारे अगले जेनरेशन के लिए भी संभाल के रखना। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अच्छे बहुत नाटी है। एनीवे, तुम्हारे लोगों का पुण्य आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। क्या है वो बात? ये है, तुम्हारे घर में लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। इस घर में आने के बाद मैं अपनी शालिनी को एक भी लेटर नहीं लिख पाया। अब मैं शांति से बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से लेटर लिख लूंगा। हाँ मुरली, क्या ये सब शालिनी को पता है? क्या और कुछ कहना बाकी था क्या? अभी पहले ही स्टार्टिंग ट्रेवल में था, ये बात पता चलने के बाद तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये बताओ, तुमने किसी और से कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने मधु के पेरेंट्स को सब कुछ एकदम डिटेल में लिख दिया। नो प्रॉब्लम। महा, यू बेटर गो टू स्लीप, तुम वहाँ पर जाकर सो जाओ और मैं लेटर लिखने के बाद यहीं आराम से सेटल हो जाऊंगा। ओके। और एक बात महा, लाइट जलने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं तो। थैंक्स गॉड, क्योंकि अगर लाइट ऑफ रहेगी तो मुझे डर लगेगा। जाओ सो जाओ। बॉस, इस पोज में आप हीरोइनों के बीच में बैठे हुए फिल्म के हीरो दिख रहे हैं बॉस। अरे वो लोग नाटक करते हैं और मैं असलियत में जीता हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है रे। अरे वो छोड़ो, गांव में कोई नया स्टॉक आया क्यों जी? हमने कुछ कमी आ गई है क्या, या फिर आपका प्यार कम हो गया है? मेरे सामने एक्स्ट्रा बात नहीं, मेरे सामने अगर कोई फीलिंग दिखाकर सेंटीमेंट करके मेरे साथ सेटल होने का प्लान है तो वो सब ड्रॉप कर दो। मुझे जब जब तुम लोगों पर मौज उठेगी तब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस इतना ही। जिससे शादी किया हूँ उससे मिले 2 साल हो गए मुझे, उन लोगों को बता के जा रहे। और क्या रहता, वैरायटी। एक थाली में खा लिया दोबारा नहीं खाते, एक बार सिनेमा देख लिया दोबारा नहीं देखते, ऐसे हैं मेरे बॉस। उनके हाथ की लकीर देखिए, और वैसे भी हाथ देख कर क्या करोगे, महाचक्र है, महाचक्र है उनके हाथों में, और वो चक्र राजयोग देता है, इसीलिए सबको घुमा रहे, पता है ना? है, तुम्हारी केमिस्ट्री भी तुमसे छीन ली ना? तुम अपना मुंह बंद करो, मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। चलो यहाँ से, वो भी कमीना है और ये भी कमीना है। कहाँ गया तू? यस, मैंने तुमसे नए स्टॉक के बारे में बात किया था, जवाब नहीं दिया, वहाँ बैठ कर बात कर रहे हो? नया स्टॉक छोड़ो, वो देखो कौन है बॉस। वो नया आदमी कौन है वहाँ? वो तो मुझे आपका भाई लगता है। हेलो ब्रदर। सॉरी, मैंने वो मूवी बहुत बार देख ली है, आपके सिनेमा में कोई और मूवी लगी है तो मैं जरूर देखने आऊंगा। गांव में सिनेमा के मूवी के बारे में चिल्लाने वाला जैसा दिख रहा हूँ क्या मैं उसको? तुम और तुम्हारा ये गेटअप, जाओ और मेरे बारे में बताओ उसे। एक्सक्यूज मी, उन्होंने हेलो ब्रदर कहा है, वो किसी मूवी का टाइटल नहीं है, वो आपको बुला रहे हैं। क्या मुझे? हाँ, वो आपके भाई लगेंगे, मतलब आपकी पत्नी के पापा की बड़ी बेटी है ना, राज्यम के ऑन हस्बैंड है ना, मतलब ये आपके जीजाजी लगेंगे। वो श्री हरि है? हाँ जी, ये वही है, मतलब इस गांव के बहुत पॉपुलर फिगर, मतलब पॉपुलर फिगर। सॉरी, माफ करना, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। नाइस मीटिंग यू। भाई, शहर से यहाँ आकर मुझसे हाथ मिलाने के लिए थैंक्स। मैंने सुना है तुम लोगों की लव मैरिज है, क्या हमारे ससुर जी मान लिया है क्या? हाँ, शादी करने के बाद क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, ये सही है। कहा हमारी बेटी ये महालक्ष्मी एकदम सीधी सादी दिखती थी। तुम्हारा नाम क्या है? मुरली। मुरली मतलब फ्लूट, नाम में ही संगीत है। भाई, शहर में पले बड़े हो तुम और यंग ब्लड है तुम्हारा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे बारे में। घर के दो बड़े आदमी गांव की गद्दी पर बैठ के शेर हो जाते हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं ब्रदर, कभी भी पीना हो या मस्ती करना हो तो मेरे पास कभी भी आ जाना, एकदम मस्त बंदोबस्त करके रखूंगा तुम्हारे लिए। अपना टाइम हो गया, शायद चलना होगा हमें। ऐसा निकले, ठीक है ब्रदर, फिर मिलेंगे, चलो मिलते हैं बाद में। अंकल, अंकल,
अंकल, मैं आपको बुला रही थी, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे सुनाई नहीं पड़ा बेटा। आपको सुनाई नहीं दिया? तुमने मुझे बुलाया था क्या? हाँ अंकल। मैं आपके रिश्ते में क्या लगता हूँ? अंकल वो नहीं, तुम्हारे पापा का क्या लगता हूँ मैं? छोटे भाई। तो फिर तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? क्या बुलाऊं मैं? चाचा जी कह के। करेक्ट बोला, फिर से बुलाओ। चाचा जी। फिर से बुलाओ बेटा। चाचा जी। पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुरली कहाँ हो? अरे दादी जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे रे, आपको नहीं, मैं उसे बुला रही थी। क्यों, क्या मैं आपके बेटा जैसा नहीं हूँ? वो तो सच ही है बेटा, पर आपको नाम से। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, दामाद 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 जी, बेटा, 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 बेटी महा। आओ माँ, वहाँ क्यों रुक गई? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है, ये देखो। ये देखिए, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, ये कलर तुम्हारी बॉडी पर बहुत सूट करेगा। थैंक यू। वन मिनट। आइए दामाद जी, बैठिए। अरे इतनी भी इज्जत नहीं चाहिए, आप बैठिए। क्या आपसे एक बात पूछूं मैं? एक क्यों, आप जितने चाहिए उतने पूछिए। कुछ नहीं है, बस ये है कि आपकी पत्नी के लिए साड़ी वगैरह कौन खरीदता है? ये क्या सवाल है दामाद जी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम दोनों ही जाकर खरीदते हैं, कभी कभी वो भी खरीद लेती है। कोई भी खरीदे, पर खरीदेंगे आपके ही पैसे से ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरी पत्नी के लिए उन्होंने साड़ी लाकर क्यों दिया? ये क्या कह रहे हो दामाद जी, अगर बेटी को बाप दे देगा तो क्या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। महा परसों तक आपके घर की बेटी और लड़की हो सकती है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। मेरी पत्नी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कौन सी बिंदी लगाएगी, कौन सी साड़ी पहनेगी, अब मैं डिसाइड करने वाला हूँ। उसकी जरूरतमंद की चीजों की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं? वो सही है। तो फिर ये साड़ी खरीद कर देने का मतलब क्या है? उनके हिसाब से तो मैं खुद के पैसों से साड़ी भी खरीद कर नहीं दे सकता हूँ, यही मतलब हुआ ना? बाजार में जो चीज खरीदते हैं बस उसके बारे में ही नहीं, घर में रहने वाले लोगों को इज्जत कैसे देते हैं वो भी जरूरी है। ये बात जैसे भी इन्हें समझ में आए समझा दो। फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए घर में। दिस इज द लास्ट वार्निंग। मगम्मा आप यहाँ आइए। क्या हुआ भैया? ये साड़ी ले लो। मैं कैसे ले सकती हूँ भला? तुम्हारे बड़े साहब ने ही ला कर दिया है, रख लो, कुछ नहीं होगा, रख लो आप। साड़ी को डंडे पर रखो। से कोई गलती हुई क्या? नहीं मुरली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। पापा ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने उसका बदला लिया, बस इतना ही। यू आर राइट माँ, जैसे तुम दुखी हो रही हो घर वाले भी ऐसे ही दुखी हो रहे होंगे। जो भूखा होता है उसे एक ही बार में 56 भोग मिल जाते हैं, वैसे ही एक अनाथ को इतने सारे रिश्ते, इतने सारे दोस्त वगैरह मिलते ही, उनका प्यार देखते ही तुम्हारे पति होने का नाटक करने आया हूं ये मैं सब भूल गया। उन सबके बहुत करीब आ गया, उन लोगों को सच भी नहीं पता था। वो लोग भी मुझसे बहुत करीब आ गए थे,
मुझे अब पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक निर्णय ले लिया है। अब मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो ये सारे अच्छे लोग दुखी नहीं होने चाहिए। आज मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे पापा के ऊपर गुस्सा होकर नहीं किया है। हाथ उठाकर उनको नमस्कार करने वाला मैं उनके ऊपर ही ऐसे आरोप लगा रहा हूँ। ऐसा सोचकर सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, यही सोचकर किया है मैंने। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सभी लोगों को यह सोचना चाहिए, एक अच्छा इंसान नहीं सनी चला गया इस घर से, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यह बिल्कुल सच है, तुम्हें बिना बताए मैंने ऐसा कहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या हुआ बताओ? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तो मेरी शादी हो गई है पहले ही, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तेरी तो शाबाश दामाद जी, तुम्हारे जैसा दामाद मिलना हमारी खुश नसीबी है। इस जमाने में जहाँ दामाद को लड़की के घर में लड़ाई करने वाला समझा जाता है, वहाँ तुमने उसके ही घर में इतने शांति से सब कुछ सुलझा दिया। तुम जैसा पति मिलना बहुत खुश नसीबी है। मेरे बेटे ने गुस्से में आकर साड़ी जला दी होगी, पर अब मैंने उसे समझाया ना तो वो समझ गया बेटा। ओह, आपने ऐसा सोचा क्या दादी माँ? तो उससे ऐसे बात करने की हिम्मत किसमें है मेरे सिवाय? मेरी प्यारी दादी माँ, तू भी बहुत प्यारा है मेरा बेटा। मैडम, आपके लिए कोई लेटर लाया है। हेलो, चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, फ्लैशबैक भूल कर एडवांस हो गए हो क्या? पिछली बार तुम जब यहाँ आराम से बैठ करके पी रहे थे तो तुम्हारे ससुर ने एंट्री मारी और तुम्हारे कपड़े फाड़ कर तुम्हें बाहर फेंक दिया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? आपके ससुर जी अंदर है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसी बात है क्या? मैं क्या बोलूँ, सच तो यही है। क्या हुआ, अंदर आ जाओ ना, मैं हूँ ना यहाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। क्या तुमने सुना, अपना छोटा भाई होने के बाद अपने को कैसा डर है? चलो अंदर। या नए ब्रांड की बोतल है, ये बहुत कम मिलती है। सिनेमा एक्ट्रेस के ग्लैमर का रहस्य, क्वांटिटी कम असर ज्यादा। ये लो। दे जल्दी। दामाद जी, ये सब कुछ क्या है? बकाड़ी रम जैसी है ये ससुर जी, एक बैग आप भी लीजिए, लीजिए। ऐसा नहीं है, ये क्या तमाशा कर रहे हो? अगर भैया देख लेंगे तो? देख लेंगे तो क्या होगा, और वैसे भी घर का दामाद घर में बैठकर नहीं पिएगा तो क्या रोड पर जाकर पिएगा? आप कहेंगे तो वहीं पी लेंगे। क्यों भी तुम जैसे बोलोगे वैसे। तू असल में इंसान या जानवर? हमने तुमसे तो आशाएं छोड़ दी है, अब मेरे दामाद को तो मत खराब करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की फिर से इस घर में कदम रखा? स्टॉप इट इमीडिएटली, यू आर इंसल्टिंग मी। मुझे डायरेक्टली नहीं कह पाते हो, इसलिए इन्हें कह रहे हो क्या? मेरे जान से भी प्यारे मेरे भाई को डांट रहे हो आप। गुड बाय फॉर एवर, अब मैं यहाँ कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं बैठिए। ये सही है, आराम से पीजिए। क्या हुआ, क्यों क्यों झगड़ा नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ झगड़ा करूंगा, झगड़ा करूंगा। ठीक है, आपको जो करना है करो, ये बिल्कुल करेक्ट है। शाबाश मेरे छोटे भाई, एकदम आग लगा दिया तुमने। ये बोतल खत्म हो गई, अब यहाँ से पीने का कार्यक्रम समाप्त, अब नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए शुरू हो जाते हैं। चलो। अब कहाँ? अब ये क्या पूछ रहे हो तुम? कहाँ मतलब? वृंदावन। पर क्यों? क्यों मतलब? यहाँ तुमने पिया और अब वहाँ पे सुख मिलेगा, लड़कियाँ बेचारी वेट कर रही होंगी तुम्हारा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो हाईटेक बस इस गांव के रोड पर नहीं चलती है, यही कहा था मैंने। तुमने क्या सुना? वही फिर सुनो। ध्यान दो, यहाँ की लड़कियाँ आपको पसंद नहीं आएंगी, मुझे पता है। आपके पास कार है?
फटाफट टाउन जाएंगे, वहाँ पर एक से एक लड़कियाँ हैं। अरे तुम्हें इतना स्टैमिना है, तो आओ चलते हैं उधर, उधर बात करते हैं। चलते हैं। ये बताओ ब्रदर, आपकी शादी हुई कितने टाइम हो गया? 6 साल। यस, 6 साल। घर छोड़े उसको कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। आपकी पत्नी को आपके पास से गए कितना टाइम हो गया? अरे 2 साल ही तो हुए। मतलब 2 साल से आपकी पत्नी सिंगल ही है? नेचुरली। मतलब ये बात है, शादी होने के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी तुम्हारी बीवी तो कम नहीं है। अगर हम दोनों अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। क्या है वो? दरअसल ये है कि कैसे भी करके तुम्हें तो घर में इंटरेस्ट है नहीं, और मैं तो घर में ही रहता हूँ ना। जो तुम बाहर कार्यक्रम करते हो वो तुम बाहर जाकर कर लो, और मैं घर में तुम्हारी पत्नी के साथ मैं देख लूंगा। अब अपा, इतनी बड़ी बात करी बॉस की बीवी के बारे में? आओ मेरे सामने मेरी ही बीवी के बारे में बात करने की इतनी हिम्मत तुझमें? ऐसी परिस्थिति तुमने ही तो बनाई है मेरे सामने। देखो अगर लड़का कितना भी छुपा के इधर उधर घूमे तो भी गाँव की चीड़ी को पता मालूम पड़ जाता है। अगर वही किसी लड़की को घर तोड़कर बाहर जाना है तो वो घर वालों को भी नहीं पता चलता है। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम इतना बाहर घूमते हो, फिर भी वो तुम पर विश्वास करती है। अगर वो किसी दिन अपना मन बदल देगी तो, और ऐसा कुछ निर्णय ले लेगी तो, खुद का सर नीचे करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तेरे पास। हे, अभी भी कोई इज्जत शर्म बची है तो बाजारू हरकतें बंद करके उसके पैर पर जाकर माफी मांग ले। मेरी दारू पीकर मुझे ये सबक सिखाता है तू? मैं तुझे देख लूंगा। अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रुकोगे तो वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये हमें वार्निंग दे रहा है। ये दीवाल कूद कर चले क्या? चलिए, लेकिन पहले यहाँ से निकलने का सोचिए। दीवाल कूदिए। कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें? नो थैंक्स, हम चले जाएंगे, आदत है। अरे कूदिए जल्दी। आर यू वे? कैसा था मेरा प्लान? एकदम ग्रैंड सक्सेस था ना? अरे देखो दादी आ रही है। आ रही है तो? दादी आ रही है। अरे हाँ, भूल गया मैं। ओहो, महा बेटा महा। बाथरूम में हूँ दादी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? भगवान के पैर छूने में क्या हर्ज है बेटा? आज तक तो इस घर के लोगों ने सिर्फ दया ही दिखाई है, पर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। इस घर में 2 बड़े लोगों के रहने के बाद भी जब वो इंसान घर में आता था तो उसे गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल देते थे। तुम्हारे सिवाय किसी ने भी उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की। सही समय पर मेरे पोते ने तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए हमें तुम्हारी महानता का पता चल गया। तुम्हारे बारे में बिना जाने हमने सोचा कि तुम भी उसी की तरह दुखी हो रहे हो। हमें माफ कर दो बेटा। अरे ऐसा कुछ नहीं दादी। अब तुम सो जा। चलो चलो चलो। अब इतना भी गला फाड़कर हंसने की जरूरत नहीं है। परसों तुम्हारे जीजा के साथ जो दारू की पार्टी की वो ग्रैंड सक्सेस हो गई। ज्यादा पीने के बाद तुम्हारी बहन की याद आना, बस तुम्हारे जीजा जी को रास्ते पर लाने के चक्कर में सीन ज्यादा हो गया। उसी समय भांजे ने सुन लिया, मेरा पूरा प्लान उल्टा हो गया। महा, इस बार जो प्लान मैंने तुमसे बताया ना, वो पक्का सक्सेस होकर ही रहेगा। वो जो RDX है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। 24 घंटे के अंदर वो फूटना पक्का है, और अपना ये जीवन अलग अलग पार्ट होना पक्का है, और मुझे अपनी शालिनी के पास जाकर अच्छी जिंदगी बिताना भी पक्का है। माँ, मैंने तुम्हें इससे पहले भी बहुत बार बताया, फिर से कह रहा हूं, तुम शादी कर लो। पति के जाने के बाद पत्नी ने, और पत्नी के जाने के बाद पति ने, घर बसने के बाद भी अपने बच्चों के लिए उन लोगों ने दूसरी शादी करके फिर से घर को बसाया है। और वैसे भी इस सब होनी में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, अकेले रहकर इतना कष्ट क्यों झेलोगी तुम? महा मेरी बात सुनो, हम दोनों अभी के अभी जाकर तुम्हारे परिवार को यह सब कुछ बता देंगे कि किन परिस्थितियों में यह सब किया है। तुम्हारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं महा, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देंगे। महा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। ये शादी मैं अपने सामने ही करवा कर
मेरी दोस्त जिंदगी में सेटल हो गई ये सोचकर खुशी से चला जाऊंगा यहाँ से। मुरली, कल हमारा ये प्लान सक्सेस तो होगा ना? क्यों महा, तुम बात क्यों बदल रही हो? मेरे मन को बदलने की कोशिश मत करो। महा, तुम्हारी ये बेवकूफी काम नहीं आएगी। तुम्हें अपना मन बदलना होगा और ये बदलेगा ही। क्या हुआ है तुझे? वहाँ खाना बनाने का छोड़कर यहाँ खुद से ही बात कर रहा है, क्या है बोल? हमारा छोटा वाला क्या शादी? क्यों रे, इससे शादी करने वाला तो इसे छोड़कर चला गया, तो एक और लड़का देखकर इसकी शादी कराने के लिए कह रहा है तू? मेरी तो चल जाओ यहाँ से। अगर फिर से ऐसी बात की ना तो देख लूंगी, अगर फिर से ऐसी बात की ना तो उससे मेरा कोई नहीं होगा, ऐसी बात की ना तो टांग तोड़ के रख दूंगी। दूसरी शादी करने के लिए बोल रहा है, दूसरी शादी? हाँ, पागल कहीं का। क्या हुआ श्रीधर, तुम यहाँ कैसे आए? आपके छोटे दामाद ने गाड़ी लाने के लिए कहा है। हमारे छोटे दामाद जी? लेकिन क्यों? कह रहे थे कुछ सामान लेके जाना है। सामान लेकर जाएंगे? तुमने कुछ और सुना होगा। गलती से नहीं, मैंने ही बुलाया चाचा जी। महा, जल्दी से अपने कपड़े और सामान बांध कर आ जाओ। कपड़े क्यों बांधना है, कहाँ जा रहे हो आप? हम घर बदल रहे हैं चाचा जी। क्या घर बदल रहे हो? हाँ, सुब्बा राव जी के गेस्ट हाउस में रहने के लिए उनसे पूछ लिया है मैंने। ये क्या है दामाद जी, इतना अच्छा घर होने के बाद भी गेस्ट हाउस जाओगे? आप यहाँ रहोगे तो क्या होगा? मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं आया है। ये घर से तो धर्मशाला अच्छा है, इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी आप लोग हमें नई नई शादी होने वाले समझ रहे हो या फिर उम्र हो जाने वाले बुढ़ा बुढ़िया समझ रहे हो? शांति से नहीं रहने देते हो। कोई चाचा कहता है, कोई फूफा कहता है। छी छी, इन बच्चों को देखने के बाद मेरा बच्चा पैदा करने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। पता नहीं क्या समझते। जल्दी जाओ, रेडी होकर आओ। आपने किससे पूछ कर ये फैसला लिया है? किससे पूछूं मैं? मुझसे पूछना चाहिए। तुम रुको बेटा, क्यों बेटा ऐसी बातें कर रहे हो? परसों ही तो कहा था कि ऐसे रिश्ते तुम्हारे सपने थे, भरे पूरे परिवार में रहना तुम्हें पसंद है, फिर अचानक से ये क्या हो गया? हाँ, मुझे अब इस जेल से मुक्ति चाहिए। मैंने सोचा था अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहूंगा, इसलिए मैं दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ। अगर रिश्ते की शुरुआत होगी तो इसी घर से होगी, मैं तो इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इस घर में करने वाले लोगों को इसे रिश्ता नहीं कहते, और ना इस घर में कोई रिश्ता बढ़ा सकता है। मतलब है कि इन लोगों ने जो किया वो रिश्ते की शुरुआत नहीं थी? मुझे दूसरों के बारे में मतलब नहीं है। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं, बताओ मुझे। मैं मेरे माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारे माँ बाप? मेरे माँ बाप ही मेरे लिए जरूरी है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो दोनों मेरी जान। तो क्या तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है? तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये निर्णय आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप बीच में मत बोलिए। तो फिर मेरा भी निर्णय सुन लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इतनी बात सुनने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। गुड बाय। उससे कहो रुक जाए, मेरी बेटी ने गलती से आपसे इतना सब कुछ कह दिया, अब इस घर में उनकी शांति कोई भंग नहीं करेगा। इतने सारे लोगों के बीच में शांति से रहना बेवकूफी है। अब उन्हें इतने सारे लोगों के बीच में नहीं रहना पड़ेगा। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। पापा। हाँ बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से यहाँ पर रहो। घर के नौकरों को भी घर बनाकर देने वाले राघव राग की छोटी बेटी कहीं दूसरे घर में जाकर रहेगी तो खानदान की इज्जत का क्या होगा? इसलिए तुम अपने पति के साथ इस घर में आराम से रहो। तुम सब लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाकर अपना सामान बांधो। ए, मदद करो इनकी। चाचा जी, आप तो पापा को रोकिए ना। देखो बेटी, आज तक हमने बड़े भैया के निर्णय को कभी नहीं टाला है और ना ही कभी टालेंगे, मुझे माफ करना। मुरली, ये क्या है, ये सब क्या हो गया? और क्या, हम कुछ और सोचे और कुछ और हो जाए। उन्हें रोक लो मुरली। कैसे? नॉन स्टॉप में तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने के बाद तुम बोल रही हो रोको। मैंने तुमसे छोटी सी लड़ाई करने के लिए बोला था, मम्मी पापा वगैरह कहकर बहुत ज्यादा सेंटीमेंट झाड़ रही थी तुम, उसकी वजह से ही तुम्हारे पापा पिघल कर जा रहे हैं। अब मैं उन्हें कैसे रोक पाऊंगा? ऐसा मत कहो मुरली, अब तुम क्या करोगे नहीं पता, उन्हें कैसे भी करके रोक लो प्लीज। मेरे मन में था कि उसने हमसे बिना पूछे शादी कर ली, पति के लिए जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर चली जाएगी। ये सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती थी। अनजाने में मैंने अपने आप को बहुत दुख दिया, पर थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने कहा उसके लिए अपने पति से बढ़कर जन्म देने वाले उसके हम माँ बाप हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई।
सामान ले जाकर अंदर रखो। मालिक ने गाड़ी में रखने के लिए कहा है। यहाँ का छोटा दामाद होने के नाते मैं कह रहा हूँ, सामान ले जाकर अंदर रखो। ये क्या कर रहे हो दामाद जी? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सभी लोग ये अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। आप सभी लोगों के ऊपर दबाव डालकर मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा सभी लोग सोचेंगे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? और क्या करोगे? सभी लोगों के मुंह से सैडिस्ट नाम सुनने से अच्छा आप लोगों के साथ एडजस्ट होना चाहिए मुझे, ऐसा डिसाइड किया है मैंने। सच में? बिल्कुल सच। इसीलिए किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग मिलकर यहीं पर रहेंगे। सुना सब लोगों ने मेरे दामाद ने क्या कहा? रिश्ते विश्ते से तुम्हें बहुत चिढ़ आती है ऐसा कहा था ना? सब लोग मिलकर यही रहेंगे यही कह रहे थे, और तुम सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ जाओ अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखो। थैंक यू पापा। पापा सब लोग मिलकर रहेंगे ऐसा कहा है उन्होंने। आप भी रुकिए पापा, प्लीज पापा मेरे लिए रुक जाइए। ये सब बेचने आए हो क्या? आ, आ, क्या मेरे लिए? लेकिन क्यों? आ, 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 क्या मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं? खुश रहो। आप यहाँ? मेरे सिवा कोई और भी आने वाला था? छी। इतने अच्छे पति को छोड़कर और कितने समय तक तुम लंका में सीता के जैसे रहोगी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा सुख दिखाऊंगा। जब तक तुम नहीं बदलोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मतलब ये कि मैं क्या बिगड़ गया हूँ क्या? और वैसे भी तुम मुझसे अलग हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें रानी के जैसा रखूंगा। एक बार कहा समझ में नहीं आता, अब चले जाओ यहाँ से। मेरे पापा ने अगर देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या डरा रही हूँ, घर पे नहीं है, ये पता चलने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। चलो हम चलते हैं यहाँ से। मैं नहीं आऊंगी। अरे ये क्या, अरे नाटक क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम नहीं आओगी तो क्या मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप चुपचाप नीचे उतारो। क्या है ये, जिसे देखो मेरे सामने मुंह उठाकर बात करने चला आता है? वो मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी है, मारूंगा कुछ भी करूंगा, पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है। हे, तुम इंसान हो या जानवर हो, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, उसने ऐसा कहा ना। क्या बोली? तुम और तुम्हारी बहन तुम्हारे पति के साथ मिलकर ही मजाक करना चाहती हो क्या? दादी, दादी, नहीं, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हें मेरी कसम। दीदी, देख रहे हो, सरप्राइज मिल रहा है ना तुमको? याद है उस दिन रात में तुमने सडन ट्विस्ट दिया था ना मुझको, वैसे ही मैंने भी दे दिया। देख लिया ना आप, मेरे जैसे गांव में रहने वाले शेर से इतनी बात करोगे क्या तुम? ये क्या है, डरने के बजाय तो हंस रहा है। आपका टंग स्लिप हो गया, गांव का शेर नहीं कुत्ता होता है वो। आप रुकिए मैं बात करता हूँ। अरे तुम लोग क्या इतना सोच रहे हो, उस दिन रात को बहुत बोल रहे थे ना तुम लोग, तो अब समय आया तो अब दिखाओ जरा। अरे अपने बॉस यहाँ, इन्हें उठाओ उठाओ, अरे उठाओ, बहुत चोट लग गई इनको। अरे उठिए बॉस। अरे अरे वो मुझे मार के जा रहा है, तुम लोग कहाँ थे उसके जाने के बाद आए हो तुम लोग यहाँ? बॉस आप मुझे गलत समझ रहे हैं बॉस, अगर मैं उससे रोकता ना बॉस तो मेरा भी हाल आपकी तरह हो जाता, फिर आपको उठाने के लिए मैं इनको लेकर के कैसे आता आपके पास? आप तो समझते ही नहीं है। अरे उठाओ इनको आराम से। अरे हो, पहले ऑटो वाले का स्ट्राइक, फिर बैंक वालों का स्ट्राइक, अब ये पोस्टर वालों का स्ट्राइक, सच में बेमतलब का स्ट्राइक करते रहते हैं। ऐसे स्ट्राइक्स के बारे में मुझे नहीं पता, पर ये पोस्टर मैन स्ट्राइक के लिए तो मैं पूरा सहयोग दूंगी। ये क्या कह रही हो? हाँ, वो मुरली के लेटर्स को रोकने के लिए यही सही रास्ता है। जब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी ना, मुझे उसके लेटर्स नहीं आएंगे। एक्सक्यूज मी, यस, कुरियर है आपके लिए। कैसेट के जैसे दिख रहा है कुछ, PVS इनकॉर्पोरेशन की तरफ से आया है कुछ। PVS इनकॉर्पोरेशन की तरफ से आया है? वही होगा, परसों कुछ ऑडिशन टेस्ट दिया था ना, शायद रिजल्ट होगा, मुझे उस कंपनी का कुछ याद नहीं। भूखे भी आया है ना, पॉजिटिव रिजल्ट ही होंगे। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स।
आई लव यू शालिनी। क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ तुम्हें? तुम्हें आई लव यू बोलने का हक और हिम्मत मेरे सिवाय और किसी में नहीं होगा शालिनी। मैं हूँ शालू, तुम्हारा मुरली। ये पोस्टर वालों के स्ट्राइक के चक्कर को सोच रही होगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर इतने दिनों से मेरा लेटर नहीं आया इसलिए दुखी होगी ना। आई एम राइट। और वैसे भी पीबीएस इनकॉर्पोरेशन का मतलब नहीं बताया ना। पीबीएस मतलब प्यार करने वालों के बीच का संगम फुल फॉर्म है, और इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और क्या बताऊँ तुम्हें अब। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ए शालिनी, मुरली जो कह रहा है वो सही है। पोस्टर वालों के स्ट्राइक के चक्कर में ही तुम कह रही थी ना कि बहुत दिन हो गए उसका कोई लेटर नहीं आया। तुम उसके बारे में ही सोच रही थी ना। तुम अपने आप को धोखा क्यों दे रही हो? ये सच में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शालिनी हमारी बात सुनो, तुम जिसके बारे में अच्छा सोचती हो, अगर तुमसे भी ज्यादा अच्छा कोई तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए पूरी जिंदगी भर। ऐसा किस्मत वाला किसी को नहीं मिलता इतनी जल्दी। उसे अपने से दूर मत करो। शट अप एंड गेट आउट। सॉरी। जीजा जी, आपको दीदी ने जल्दी बुलाया है। क्यों बुला रही वो? हमें क्या पता, हमें थोड़ी ना बताएगी। शादी के बाद कई चीजें होती हैं करने के लिए, हमें सारी बातें थोड़ी ना बता देंगी वो। हो सकता है उन्हें कुछ देना हो आपको। कहाँ भी मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? हाँ, इस समय और कहाँ बुलाएंगी वो आपको, आपके ही बेडरूम में। ए, इन लोगों का क्या होगा। महा, आई एम रियली सॉरी महा, तुमने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया ऐसा उन लोगों ने बोला। रियली आई एम सॉरी। ये कैसे पति है? कोई भी पति नो सॉरी बोलकर कहेगा, पर अपने दीदी का पति तो सॉरी कह रहा है। वो कौशल्या कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। वो हमें कहाँ दिखेगी भाई, आगरा में सेटल हो गई है। कोई अच्छा पैसे वाला मिल गया है। क्या पैसे वाला मिल गया उसे? हाँ। सब समय समय का खेल है, सबको समय का ही इंतजार करना है। अरे हेलो, डॉक्टर आ रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 आइए। उन लोगों का काम है, वो लोग कर लेंगे, तुम लोग अपना काम करो। रिपोर्ट्स कहाँ है? वहाँ है अंदर डॉक्टर। बगल वाली डॉक्टर कहाँ गई? जो डिजीज आपको आई है उसका नाम सुनते ही वो चले गए। क्या डिजीज? मतलब बीमारी। क्या बीमारी? अरे क्या बीमारी है डॉक्टर? सावित्री। कौन है? पापा, क्या हाल हो गया है मेरा? आखिर में पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं बचा है मेरे पास में। कैसी हो गई है ये मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरी किस्मत है। अरे तू यहाँ, मेरा नमक खाया है तुमने, इसलिए मुझे देखने तो आए हो। कितने अच्छे आदमी हो तुम। ये क्या बॉस, मैंने आपके ऊपर बहुत उपकार किए हैं। आपको जो बीमारी आई है ना, उसके बारे में अपने लोगों को और आपके परिवार के सिवा किसी को नहीं बताया मैंने। अगर गांव वालों को बता देता ना तो आपको गांव से बाहर निकाल देते। अरे बाप रे। अगर पंचायत में बता दूं ना
तो वैन बुलाकर पागल कुत्ते की तरह उसमें भरकर आपको भेज देंगे। अरे बोलना बंद कर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं धर्मराज के भाई की तरह हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। आप अपने दिल में रखो, यही बहुत है मेरे लिए। बहुत बहुत थैंक्स यार, सच में तुम्हारा दिल सोने का है। मेरा गला बहुत सूख रहा है, थोड़ा बहुत पानी ला के दे देना भाई। अरे अच्छा पानी ही क्या, आपके लिए दो दिन के लिए दारू भी लेकर आया हूँ मैं। तेरे लिए डबल थैंक्स भाई। थैंक्स। पैदा होते समय कपड़े पहनकर नहीं आते हम, और ना ही मरते समय कुछ लेकर के जाते हैं। बस इन दोनों के बीच में ही हमें पैसे और कपड़ों की जरूरत पड़ती है बॉस, नहीं तो सब माया है। ये तो सही है, उसके बीच में और इसके बीच में क्या लिंक है? है? बहुत लिंक है। मान लीजिए बॉस कि आप कल के कल ही मर जाते हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से 1-2 एकड़ आप मुझे लिख दीजिए, तो कम से कम मैं आपकी देखभाल कर लूंगा। अरे उतना ही नहीं, इस स्कीम में आपके लिए फ्री गिफ्ट भी है। आपके मरने के बाद आपके शरीर को कोई नहीं छुएगा बॉस, सिर्फ मैं आपको चिता पे रखूंगा और आग लगाऊंगा बॉस। लिंक सही है ना बॉस? अरे धोखेबाज, ये कैसी बात कर रहा है तू? तूने मेरा नमक खाया है और 2 गिलास पानी देने के लिए मुझसे 2 एकड़ जमीन मांग रहा है, ये अन्याय है। ये अन्याय कैसे हुआ? तुम्हें इतनी भयंकर बीमारी हो गई है बॉस, फिर भी खुद को रिस्क में डालकर मैं आपकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसके बदले में आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते है क्या बॉस? अरे जो चाहिए कर ले यार, पहले वो दारू की बोतल तो मुझे दे दे। अरे उसमें कितनी देर लगेगी, उसके पहले एक छोटा सा काम है आपसे। काम है? अरे वो कौन सा काम है? हाँ देता हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या है? इसमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, सिग्नेचर कर दीजिए। उसी में डाल दीजिए फिर से। हो गया ना? अरे मेरी दारू। अरे रुको ना, देता हूँ, ये लो। दारू के साथ मैंने तुम्हारे लिए ठंडे पानी का भी इंतजाम किया है, ये लो पकड़ो। क्या करो, ये मेरा है। मुझे पता है वो। मुझे दो। दे दूं क्या? नहीं तो क्या करोगे? मैंने थप्पड़ नहीं मांगा, मैंने दस्तावेज मांगा था तुमसे। ओ क्या है ये? मैंने तुमसे एक मांगा था, तुमने तो टुकड़े कर दिए। ठंडी में आग जलाने के लिए काम आ जाएगा ना। ठीक है। ये क्या, अभी तो ठंड का समय नहीं है, ये किधर गया है? अरे तुम यहाँ यहाँ क्यों आए हो तुम? दादा मेरे पास बताओ, छू ना मत मुझे, मुझे बहुत भयंकर बीमारी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे साथ कल क्या हो सकता है वो मैंने आज तुम्हें बताया, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके ये सब खेल खेला था मैंने। क्या सच में? देख लिया ना तुमने, कल तक जो तुम्हारा नमक खाते थे वो आज तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिए, जो कल तक तुम्हारी जय जय करते थे वो सब आजकल कहाँ है, तुम समझ पा रहे हो ना? आज तुम्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए तुम्हारी जायदाद मांग रहे हैं। देखो हरी, उस दिन रात में जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था, मेरा विश्वास करो। देवी जैसी तुम्हारी पत्नी और हीरे जैसे तुम्हारे बच्चे, उनसे मिलाने के लिए ऐसा किया। भाई बस केवल अपने सुख के चक्कर में जो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था तुमने उसको हटा दिया है, मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ दिए, तुम सच में मेरे भाई हो, मुझे माफ कर दो बेटा। आगे से ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो राजा। ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? ముక్కుడ్డులని తో ముచ్చట్లయితే భూవెట్టాగొస్తాది సింగారి బావ. जो उन लोगों ने गाना गाया कितना अच्छा है। तुम्हारे जैसे अच्छे मन को सभी चीजें अच्छी ही दिखती हैं। और एक बात मुरली, तुम तो यहाँ मेरी मदद करने आए थे, लेकिन हमारे घर में परेशानियां देकर भी तुमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया। हम लोगों ने तो सोचा था कि हम अपनी दीदी को कभी खुश नहीं देख पाएंगे, पर तुमने तो उनके जीवन को सुधार दिया। और कितने दिनों के बाद मैंने अपने पापा के चेहरे पर खुशी देखी, उनकी नजरों में तुम भगवान बन गए हो। आई एम सो हैप्पी। बट आई एम नॉट हैप्पी। ओहो, शालिनी के लिए क्या?
नहीं, तुम्हारे लिए। शाबाश। आप लोग अर्जेंट काम बोलकर यहाँ पर लेकर आए हैं। दामाद जी आप अंदर तो चलिए। नमस्कार धर्मराव जी। शंकर राव जी नमस्कार, बैठिए। ये हमारे छोटे दामाद जी हैं। नमस्कार। ये हमारे बड़े दामाद जी। नमस्कार, बैठिए। क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? सब कुछ रेडी है सर, बस आपके सिग्नेचर चाहिए। देखो बेटा, यहाँ सिग्नेचर कर दो। क्या है ये? हमारी जायदाद आपके नाम लिख रहे हैं। क्या हुआ दामाद जी, क्या हुआ, ऐसे बाहर आ गए आप? आप लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हम सबने मिलकर खुशी से निर्णय लिया है। वही क्यों पूछ रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों की जायदाद लेने के लिए आया हूँ? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग वहाँ की कहीं और शादी कराते तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देते ना। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं हूँ मैं। आप लोगों की जायदाद में मुझे हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। सच तो ये है, महा के बीच मुझे और महा को ये जरा भी पसंद नहीं है। मुरली, आप ऐसा कहेंगे इसलिए आपको बिना बताए ही हम सब ने ये किया है। हम सभी लोगों ने ये सोचा कि अगर ये आपके नाम पर होगा तो ही अच्छा होगा। घर के सभी लोगों का यही कहना है। नहीं, मैं यहाँ बस आप लोगों को प्यार बांटने के लिए आया था। आप सभी लोग मिलकर रहें और खुशियों से जीवन भरा रहे, बस इसके लिए मैंने ऐसा किया। जैसा अभी है ऐसे से ही जीवन चले। ऐसा नहीं है दामाद जी। बस कीजिए, मुझे अब धर्म संकट में मत डालिए प्लीज। माफ करना दामाद जी, आपको बिना बताए हम लोगों ने ये काम किया, उसके लिए प्लीज हम सबको माफ कर देना। हम अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हैं, चलो। कहाँ गया ये? पता नहीं। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, महा को बुलाओ। तो हमें नहीं बताओगे क्या? और वैसे भी हमसे क्या छुपाना? शट अप, अभी जाकर पहले दीदी को बुलाओ। हेलो मुरली, मैं जा रहा हूँ महा। पता है आज तुम्हारे घर वालों ने क्या किया है? तुम्हारी पूरी जायदाद मेरे नाम पर लिखने वाले थे। आई एम सॉरी महा, अब मुझसे नहीं होगा। बस मैं तुम्हारे मदद के नाटक के लिए यहाँ आया था, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकता। उन लोगों को धोखे में नहीं रख सकता हूँ। आई एम सॉरी माँ। मेरी बात सुनो मुरली। नो माँ, मैं अब खुद को और ना ही घर वालों को धोखा दे सकता हूँ। मुझे खुद के दिल को जवाब देना होता है, अब ये नहीं हो सकता। प्लीज मुरली। आई एम सॉरी माँ, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो बिना पूरा किए जा रहा हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है, ऐसा टेलीग्राम दे दूंगा। उसके बाद मैं कह दूंगा कि हमें अर्जेंटली अमेरिका जाना होगा। महा को जल्दी भेज दीजिए, ऐसा कॉल कर दूंगा मैं, और तुम वहां आकर के वहां से अमेरिका चली जाना। मुरली, इसके सिवाय मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है माँ। कभी हम स्कॉच पीते थे। सही बोल रहे हो गुरु। लेकिन आप देखो क्या समय आ गया है, अब हम लोग को ये देसी पीनी पड़ रही है, और वो भी देखो एक दूसरे से चंदा करने के बाद। क्या भाग्य है। चलो भाई पियो, 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 क्या करोगे पियो। शंकर क्या हुआ बेटा? हाँ। दामाद जी कहाँ है? ये क्या माँ, वो अभी तक घर नहीं आए। यहाँ क्यों आएंगे, वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? हाँ, हमारे साथ ही आए थे, वहाँ साइन न करके वापस आ गए। उन्होंने वहाँ कुछ लड़ाई की थी क्या? अरे उनसे क्या लड़ेंगे हम, वो गुस्सा इसलिए है कि जायदाद उनके नाम लिख रहे हैं। मैं आपके घर का दामाद हूँ, इसलिए सभी को एकजुट कर रहा हूँ। आप सभी का प्यार पाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। मैं आपकी जायदाद किसी के नाम करवाने नहीं आया हूँ। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की। हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, पर उन्होंने कागजात पर साइन नहीं किया। बस हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया। बाहर आए तो दामाद जी भी नहीं दिखे। तो फिर कहाँ जा सकते हैं वो? बेटी सुनो, क्या तुम्हारी और दामाद जी में लड़ाई हुई है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है माँ। शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई होना कॉमन है। हमारे बीच में भी बहुत लड़ाई हुई है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। हमें बताने से क्यों डर रही हो बेटा? शादी होने के बाद तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला कर बाहर चले जाते थे, रात भर बाहर ही रहते थे। क्या हुआ है बताओ हमें बेटा? कह रही हूँ ना, समझ नहीं आता। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। आप लोग परेशान मत कीजिए मुझे। इसे क्या हो गया? थैंक यू चाचा जी। हम लोगों ने सोचा था हमारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, पर आप उन्हें वापस ले कर आए, इसलिए थैंक यू। मेरे मम्मी पापा आपको भगवान समझते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहिए ना। ए बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? दामाद जी को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर एसआई से बात करता हूँ। क्या हुआ? कहीं भी नहीं है भैया, हमने सब देख लिया, बस चैन पर भी देखा है। आते आते हम लोग पुलिस स्टेशन भी जाकर आए हैं, इंस्पेक्टर से भी बात हुई है। बारिश हो रही है ना, कहीं रुक गए होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अगर बारिश कम होने के बाद भी वो नहीं आए तो एक बार कॉल करने के लिए कहा है उन्होंने। मैंने अपने आदमियों को भी भेजा उन्हें ढूंढने के लिए। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ दादी? मैं यहीं पर हूँ। आपको नहीं, मैं उसे बुला रही थी। क्यों? क्या मैं आपका बेटा? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। परेशानी कैसे कहूँ? बस आप मुरली को वापस घर ले आइए, मुझे इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। हे, वहाँ देखो, हमारी जिंदगी बर्बाद करके हमारे पेट पर लात मारने वाला, हम यहाँ पे बैठकर रो रहे हैं और वो देखो पानी में भीगता हुआ जा रहा है। चलो उसकी ऐसी तैसी करते हैं, आजा। सुबह सुबह जब मैं अपने खेत जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। जब मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ आपके दामाद दिखे। मेरे सोने जैसे दामाद को मारने की हिम्मत उनमें कहाँ से आ गई? और जाकर पीछे से हमला किया उन्होंने। छी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बारिश में पैर फिसल गया था मेरा, इसीलिए कोई पत्थर लग गया होगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये गाँव है ना, बारिश में अकेले घूम रहे थे, किसी को साथ ले लेना चाहिए था ना। वैसे अकेले गए क्यों थे आप? ऐसा नहीं था ब्रदर, रजिस्टर ऑफिस में तुम वहाँ से एकदम बिना बोले चले गए। अगर तुम बोलते तो मैं साथ चलता। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता बोलो? मेरी बात सुनो, अगर मेरी किसी बात पर गुस्सा हो तो उसे कह दो कि अपने मन में न रखे, और अगर कोई खास नाराजगी है तो कह दो कि वो मुझसे बोल दे। उससे कह दो अपनी मासूम बेटी की आंखों में मैं आंसू बहते हुए नहीं देख सकता, उसे कुछ भी हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान के लिए मेरा गुस्सा उस पर ना निकाले वो। सच में बेटा, पूरी रात वो सो नहीं पाई, तुम वापस नहीं आए इसलिए एक निवाला भी नहीं खाया, बस तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम्हारे इंतजार में अंदर बाहर कर रही थी वो। हाँ चाचा जी, रात में बुआ बारिश में भीगते हुए भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था। सच में चला जाऊंगा ऐसा सोचकर ही तुम्हें कॉल किया था। अगर मैं तभी चला जाता तो ये लड़ाई भी नहीं होती थी, पर जो मैंने यहां पर समय बिताया है और जो प्यार इन लोगों ने मुझे दिया है वो मुझे वापस खींच कर ले आया है मां। ये याद करने के बाद मुझे जाना बहुत मुश्किल हो गया था, मेरे पैर तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, और आखिरी में मेरे मन को भी जकड़कर वो मुझे वापस लेकर यहां आ गए। पर किसी ने मुझे क्यों मारा और किस लिए, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया।
और आंख खुली तो मैं घर पर था। कुछ भी बोलो, गलती मेरी ही है। मैंने बेवजह तुम्हें रुला दिया और तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की एक्टिंग करनी पड़ी ना। अब मेरे वापस आने के बाद भी रो रही हो तुम। मेरी वजह से जो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो मां। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है मां, मेरी बात का विश्वास करो तुम। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, चला जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मां। बस करो मुरली, प्लीज स्टॉप इट। मुरली, जो मैं रोई थी वो झूठ नहीं था, और जो रो रही हूँ वो झूठ नहीं है। तब भी और आज भी मैं तुम्हारे लिए ही रो रही हूँ, तुम्हें वापस लाने के लिए रो रही हूँ। असल में हम यहाँ क्यों मिले और यहाँ क्यों आए हैं? जब तुमने मुझे कॉल किया था कि तुम जा रहे हो, तो मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तुम्हारे सर पर जब मैंने ये चोट देखा, तो ये दर्द बिल्कुल मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा रोना ये ढोंग नहीं है, ढोंग नहीं है। मैडम, आपका प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तुम जाकर मेरे लिए वो लेटर्स लेकर आओ जो आए हैं। कोई लेटर नहीं आया मैडम, आज का नहीं, मुझे बॉम्बे गए हुए 3 दिन हो गए हैं। वो लेटर्स लेकर आओ। वही मैडम, ये 3 दिन में एक भी लेटर नहीं आया है। मैं ये नॉर्मल लेटर्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, कलर कलर कवर में आते हैं ना वो वाले लेटर्स। वो मुरली के लेटर्स ना, मैं उनके बारे में ही कह रही हूँ, कोई लेटर नहीं आया है। चाय पियेंगी क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना, ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे नहाने के बाद जो कुछ भी मन्नत हो वो पूरी हो जाती है। रुको, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? अरे रुको, मुझसे शादी करोगी? अरे मुझसे हे, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? आपको किससे मिलना है? राघव राव जी का घर यही है क्या? यही है, वो मेरे ससुर जी हैं। आप कौन? महालक्ष्मी कौन? हाँ, मेरी साली हैं। आप कौन? यहाँ मुरली। हाँ भाई जैसा है। आप कौन? घर पर है क्या? गांव में ही है। आप कौन? हाँ मुरली के माँ बाप हैं। हाँ मुरली के माँ बाप? अरे ये कैसे हो सकता है, उसके माँ बाप है ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हमें उसके माँ बाप। अगर आप कहे तो मैं कैसे मान लूँ, मेरा छोटा भाई ऐसे झूठ बोल ही नहीं सकता। ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ और उनसे कहो कि हम आए हैं। जो अभी आपने कहा एकदम मस्त था। अरे ये पहले कह देते तो कितना अच्छा रहता। अंदर आ जाओ सर, आइए 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 माजी, अंदर आइए। इसके ऐसे झूठ बोलने का कारण हम ही हैं। इसके प्यार को मैंने ही नहीं माना था। अगर हमारी नामंजूरी पर तुम लोग शादी करोगे तो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ऐसा कहा था मैंने, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, हमारे संधि समझे आए हैं, खातिरदारी तो बनती है ना। बहुत दूर से सफर करके आए हैं, नहा धो के आराम कर लीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे। खाने की तैयारी करो बेटी महा।
तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए ये तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, रिलेशनशिप है ये, पवित्र पति पत्नी का रिश्ता है। तुम लोग जो सोच रहे हो कि ये कोई खेल है, तो तुम अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, जिस हाल में महा थी उस हाल में हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर अभी जो अनजाने में तुम लोगों ने एक रास्ता चुना था, वो अब तुम लोगों की जिंदगी बन गया है और तुम्हारे इस झूठे रिश्ते को सच करने का समय आ गया है। हाँ बेटी, कई सालों तक अपने बेटे का पालन पोषण करके खो देने के बाद हम ही उसे भूल कर कैसे जी रहे हैं हमें पता है। और तुमने तो बस 4 महीनों के लिए एक दूसरे से प्यार किया। तुम सोच रही हो कि तुम्हारी जिंदगी इसके बिना निभाना सही नहीं है। तुम लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि अगर किसी दिन तुम दोनों को सच में ही अलग होना पड़ेगा तो क्या तुम हो पाओगे? क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा कि ऐसे ही जिंदगी भर जीना है हमें एक दूसरे के साथ? तुम अपने दिल की बात नहीं मान रहे हो मुरली। तुम्हारे माँ बाप नहीं है और जो मेरा बेटा है वो नहीं रहा। मैं तुम्हें अपने बेटे के तौर पर कह रहा हूं कि तुम लोग शहर में आ जाओ, हम तुम्हारी रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। तुम्हें अपना बेटा समझकर हम अपने ही घर में देखभाल करेंगे तुम्हारी। बस मैंने एक बड़ा आदमी होने का और एक बाप होने के जैसा तुम्हें आश्वासन दिया है। चलो मुरली, अगर मेरा बेटा होता तो वो कभी मना नहीं करता। शंकर, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है भैया। नहीं, किसी को भी मत बुला, मेरी जान जाते हुए सभी लोग मेरे पास। कुछ नहीं होगा माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में और कितनी जान बची है। मुझे मुझे तुम सब लोग यहीं पर चाहिए। मेरी आखिरी इच्छा पूरी होते हुए मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ। यही इच्छा क्या है मुझे बताइए। अगर कहूँ तो पूरी करोगे क्या? हाँ माँ जरूर। तो मुझे वचन वचन दो बेटा। मैं वचन देता हूँ, बोलो माँ क्या है आपकी? मैंने जब महालक्ष्मी का नाम रखा था उसी दिन सोच लिया था कि इसकी शादी देखे बगैर नहीं मरूंगी। उस दिन मैंने भगवान को विनती की थी कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे मौत मत देना, पर शादी कहीं और हो गई और मेरी यही आखिरी इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए मैं इन दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। ये कैसी इच्छा है माँ, जिसकी शादी हो चुकी है दोबारा शादी कैसे? क्या कह रहे हो तुम? हर साल हम सीता माता और राम जी का विवाह करवाते हैं ना, क्या इस बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे तुम? ठीक है माँ, शंकर जल्दी से शादी की तैयारी करवा। ठीक है भैया। बहुत खुशी हो रही है मुझे, तुम सब लोग अब बाहर जाओ, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, जाओ तुम सब लोग। चलो सब लोग। दादी, क्या है ये सब? बंद कीजिए। क्यों, डर गई थी ना? कैसा लगा मेरा नाटक? नाटक है ये? अवार्ड जीतने की गारंटी है ना? दादी आप पागल हो गई हैं क्या? सभी लोगों को परेशानी में डाल दिया आपने, ये नाटक आपने क्यों किया? नाटक? अगर मैंने जो किया वो नाटक है तो तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे क्या कहना चाहिए बोलो? समझ में नहीं आया क्या? वही जो तुम लोग नाटक कर रहे हो। बेटी, बिना शादी किए तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो, अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या बीतेगी उस पर बताओ? उसको पता चलने के बाद तुम दोनों को मार कर वो खुद को भी मार डालेगा। जो पूरी जिंदगी अकेला बड़ा बड़ा तुम्हारे साथ इस गांव में आया, तुम इसे भी धोखा दे रही हो। बेटा, इसने किसी और से प्यार करने का पाप करके इतने दिनों तक तुम्हारी जिंदगी से भी खेलती रही, हमें माफ कर दो।
इस परिवार के मान प्रतिष्ठा के लिए तुम अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हो बेटा, कुर्बान कर रहे हो। कितने लोगों की बात ही सही तुमने, कितनी गालियां खाई तुमने। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो बेटा। इतने दिनों तक तुम लोगों ने जो नाटक किया उसे सच में बदल दो बेटा। अब तो तुम एक दूसरे के साथ में जियो। दादी माँ, मना मत करना बेटा। हम इतने दिनों से अनजाने में तुम्हें दामद जी कहकर पुकार रहे थे। अब उस पुकार को सच में बदल दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी पोती का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ऐसा मुझे वचन दो बेटा। मना मत करना बेटा, मना मत करना। पीबीएस कॉर्पोरेशन का मतलब नहीं पता है ना तुम्हें? पीबीएस का मतलब है प्यार करने वालों के बीच का संगम, और मैं ही उसका प्रेसिडेंट हूँ। शालू, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ आया हूँ, लेकिन हर पल मैं तुम्हें ही याद करता हूँ। पर मैंने जो तुम्हें वचन दिया उसी चक्कर में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन कभी भी बदला तो तुम मेरे सामने आ सकती हो। ऐसा सोचकर बस मैं अपनी जिंदगी जिए जा रहा हूँ। एक ना एक दिन तुम जरूर आओगी। आई लव यू शालिनी। I love you, Murli. I love you from the bottom of my heart. जिंदगी में जो रिश्ते मुझे कभी नहीं मिले वही रिश्ते अब मुझे मिले हैं। इसीलिए भगवान ने मेरी तुम्हारे दिल में जगह नहीं दी है। I thank you for that. आज के बाद मेरे लेटरों से तुम्हें परेशानी नहीं होगी। यही मेरा लास्ट लेटर है तुम्हारे लिए। उधर देखो, कोई लड़की आ रही है। नमस्कार आंटी। नमस्कार नमस्कार। आओ बेटा अंदर आओ। महालक्ष्मी की दोस्त हो क्या? नहीं आंटी, मुरली की फ्रेंड हूँ मैं। फ्रेंड या कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो? ए, अपना मुंह बंद कर। तू किससे कैसी बातें करनी चाहिए पता नहीं चलता। चल अंदर जा। बुरा मत मानना बेटे, वो थोड़ी ज्यादा बात करती है। कोई बात नहीं। महा देखो तो कोई आया है, दामाद जी की दोस्त है। दादी क्या हुआ है? सब बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं। माँ की शादी है कल। हेलो, आई एम महालक्ष्मी। हेलो, आई एम शालिनी। आपकी शादी हो रही है ना? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं मुरली की। हाँ पता है, अंदर चलिए बात करते हैं। प्रमिला। हाँ? कौन है ये लड़की? मुरली अंकल की दोस्त आई है शादी में। ओह ऐसा है। इसका मतलब मुरली ने सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में। हाँ हाँ, सिर्फ तुम यहाँ आओगी इस बात के सिवा। उसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आ रही हूँ। उसे एक छोटा सा शौक देना था इसीलिए सडन आ गई। ये सच में ही शौक है। जो वो लेटर्स लिखता था उसके एड्रेस से मैं यहाँ तक आई हूँ। वैसे मुरली कहाँ है? बाहर गया है वो। क्या हुआ माँ, ऐसे यहाँ बैठी हो तुम? शालिनी। शौक हो गए क्या? I'm very sorry, मुरली। जब तुम मेरे पीछे पड़ते थे मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम हमेशा मेरे मन में थे इसीलिए मैं आ गई। मुरली तुम हमेशा आई लव यू कहते थे ना, अब मैं कहूंगी आई लव यू मुरली। So much. और वैसे मुरली क्या ये सब लोग तुम्हारे रिलेटिव्स हैं? और वो लड़की कौन है? तुम उसकी शादी में ही यहाँ आए हो क्या? यहाँ का वातावरण मुझे बहुत पसंद आया। शादी होने तक तुम्हारे साथ मैं यहीं रहूंगी। शादी होने के बाद हम दोनों यहीं से साथ जाएंगे, ठीक है? हे मुरली क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुप क्यों हो? तब से मैं ही बात किए जा रही हूँ। वो कुछ नहीं है शालिनी। तुम्हें एकदम से देखकर मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तुम बहुत दूर से आई हो ना, बहुत ज्यादा थक गई होगी तुम। तुम जाकर आराम कर लो, हम कल बात करेंगे। तुम्हारी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है, और जिस किसी से भी प्यार करती हूँ वो तुमसे दूर चला जाता है। ऐसा समझ जाओ और शालिनी और मुरली की शादी करवा दो। जो बीच में तुम्हारा प्यार पैदा हुआ है उसे बीच में ही मार दो। मारकर एटलीस्ट उन दोनों का प्यार तो पूरा होने दो।
सही न्याय है। शालिनी क्या मुरली, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। मैं भी यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था शालिनी। क्या सच में? हाँ, तुमसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब वो सारी बातें बाद में करेंगे हम। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। इतने हैंडसम लड़के से इतने ज्यादा दिन तक मैं दूर कैसे थी, मुझे बहुत फील हो रहा है। प्लीज शालिनी, बी सीरियस, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें लास्ट लेटर भेजा था, वो मिला क्या तुम्हें? नहीं मिला। शालिनी हाँ, एक बार यहाँ आना प्लीज। ओके आती हूँ। अरे एक मिनट महा, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में भेज दूंगा उसे, तुम अंदर चलो। ऐसा नहीं होगा, ये इससे भी ज्यादा अर्जेंट मैटर है। आओ शालिनी, मैं बुला रही हूँ ना। मुरली स्टॉप, ये लेडीज स्पेशल है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, तुम्हारे लिए नो एंट्री, तुम वहीं बैठो। ये शादी के लिए साड़ियाँ और गहने हैं, कैसा लगा तुम्हें? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हैं ये सब, ये कलर तो बहुत ही अच्छा है। ये तुम पर और अच्छा दिखेगा। सच में? हाँ पहन कर देखो। नहीं, तुम्हारी साड़ी पहनूंगी तो कैसे अच्छा लगेगा। मेरी तुम्हारी वाली क्या बात है इसमें, जो पहन ले उसी का हो जाएगा। हाँ, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। पहनाने के लिए मैं हूँ ना, चलो पहना देती हूँ। अरे वाह, एकदम दुल्हन जैसी दिख रही हो, मेरी ही ना नजर लग जाए तुम्हें। तुम बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो माँ, शादी के लिए लाई हुई साड़ी तुमने मुझे पहना दी, गहने भी तुमने मुझे पहना दिए, और क्या आखिर में मंडप पे तुम मुझे ही बिठाओगी क्या? कभी ना कभी तो तुम्हें बैठना ही होगा ना। हमेशा तो नहीं बैठ सकूंगी ना मैं, क्योंकि हमारे रीति रिवाज नहीं है ना। और हाँ, आई लाइक योर ट्रेडिशन। ए वन मिनट, मैं मुरली को एक जोरदार शॉक दे के आती हूँ, ठीक है ना? ओके मुरली। हे, ये क्या गेटअप है? ये साड़ी तो महा की शादी के लिए है ना, तुमने क्यों पहन ली? क्यों नहीं पहनना चाहिए, मेरे मना करने के बाद भी महा ने मुझे सारा कुछ पहनाया है। इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ऐसा महा ने कहा है। तुम्हें अच्छी नहीं दिख रही क्या? अच्छी दिख रही हूँ। ऐसे नहीं, मुझे हग करके बोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोलो, और ऐसे देखते हुए मुझे आई लव यू बोलो, कहो ना प्लीज। प्लीज शालिनी। तुम्हें क्या हुआ है मुरली, इससे पहले तुम मुझे आई लव यू कहते नहीं थकते थे, मेरे यहाँ आने के बाद तुम अलग बर्ताव कर रहे हो। ऐसा नहीं है शालिनी, मुझे एक बात कहनी थी। बाबू, तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुमसे कुछ बात करनी है उन्हें। कहाँ है वो? ऊपर हॉल में है। मैं अभी आता हूँ, एक्सक्यूज मी। नमस्ते मैडम, क्या चाहिए आपको? दोस्त की शादी में गिफ्ट देना है, कुछ वैसा दिखाइए आप। थैंक्स। वेलकम। थैंक यू मैडम। इट्स ओके। थैंक यू। श्री हरि, आया जी। आओ। वो सत्य आया क्या? आ रहा है। अरे मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ इधर उधर जा रहे हो तुम? अब यहीं पर रहना, जाना मत कहीं पर। अरे शादी का माहौल ही 50 काम करते हैं। लेकिन शादी तो शनिवार को थी, लेकिन आज ही उनकी शादी, तो फिर ये जल्दबाजी। वो दूल्हा आ रहा है ना, इसलिए। क्या दूल्हा आ रहा है अभी? दूल्हा आया कब यहाँ? उसे कहाँ से आना था, वो तो यहीं पर रहता है। वो देखो। क्या तुम्हारी शादी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं शालिनी। पहले जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। आर यू द ब्राइड ग्रूम? यस शालिनी, बट यू चीट, मुझसे प्यार करने का नाटक करके यहाँ दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। शालिनी पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो, डोंट कम नियर मी, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। शालिनी रुको, शालिनी रुको, शालिनी। मत रोको, नहीं, आप मत रोको मुझे, ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस
में उसकी कोई गलती नहीं है पापा। मतलब तुम्हें पहले से पता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ये बात मुझे पहले से पता था, पता होने के बाद भी तुमने ये गलती क्यों की? ऐसा मत पूछिएगा पापा, मैंने ये बहुत जल्दबाजी में कर दी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ पापा। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी हमेशा के लिए, मैं यही रहूंगी। शालिनी, डोंट टच मी। शालिनी मेरी बात तो सुनो। क्या कहोगे तुम? हाँ क्या कहोगे? आई एम सॉरी, मैंने सच में तुमसे प्यार नहीं किया, और जो भी था वो नाटक था, और अब मैं उससे प्यार करता हूँ, जो भी हुआ वो भूल जाओ, यही कहोगे ना मुरली? बोलो। यस मुरली। यस शालिनी। अगर छोटी मोटी बात होती तो भूल सकते थे, पर इतने दिनों तक उसके साथ थी, वो कैसे भूलोगी? भूलना पड़ेगा दादी, मुझे भूलना ही पड़ेगा। उन दोनों को मिलकर जिंदगी जीना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए काफी परेशानियाँ उठाई है, अगर मैं उनके लिए इतना भी ना करूँ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दादी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुरली? तुमने ये सब सिर्फ महालक्ष्मी की जान बचाने के लिए किया ना, अब फिर से तुम मेरे पास लौट आओ, कोई परेशानी नहीं है। जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तुमने एक बात कही थी मुरली, अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो सबसे पहला कदम मेरा होगा। यू आर राइट मुरली, तुम क्या हो, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आई लव यू मुरली, आई लव यू सो मच। चलो हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम कुछ बोलो मुरली। इतना क्यों सोच रहे हो तुम, क्या तुम नहीं आ पाओगे? क्यों नहीं आ पाऊंगा शालिनी, मैं आ सकता हूं, अगर अभी भी चाहूं तो मैं आ सकता हूं, मुझे रोकने की शक्ति और हक किसी में नहीं है, लेकिन पूरे मन से तो नहीं आ सकता। शालिनी तुमने अभी कहा था ना, ये सब कुछ एक ढोंग ही तो है, मां को बचाने के लिए बस एक नाटक ही है ना, नाटक हो गया, अब दोनों हम यहां से जा सकते हैं, वो बात करने का हक तुम्हें है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं शालिनी, अब ये मेरे लिए नाटक नहीं है, मेरी जिंदगी है। अगर मुझे तुम्हारे साथ आना होगा तो जिस परिवार ने मुझे अपना दामाद माना है उनका दिल तोड़कर आना होगा, उनकी आशाओं को मार कर आना होगा, उन लोगों के सारे सपनों को तोड़कर तुम्हारे पास आ सकता हूं शालिनी, लेकिन इस परिवार को, इस बंधन को और मां को छोड़कर आने की शक्ति नहीं। ये बात बिल्कुल सच है शालिनी। मुरली। हाँ मैंने पहले तुमसे ही प्यार किया है, तुम्हें मना करने की शक्ति भी नहीं है मुझ में, किसी का जीवन कैसा भी होने दो हमें क्या, ऐसा सोचकर हम जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, कह दो मैं अभी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। मतलब तुम मां से? यस मैं प्यार करता हूं उससे, आई लव हर, शी इज माई लाइफ, शी इज माई लाइफ। तुम चले जाओ मुरली, तुम मां के पास चले जाओ, अगर तुम एक पल भी यहां रुके तो मेरा मन बदल जाएगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम चले जाओ। प्लीज गो अवे। रुक जाओ वहीं, फिर कभी यहां आने की कोशिश की या मेरी आंखों के सामने भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, निकल जाओ यहां से। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बेमतलब मुझे गलत समझ रहे हैं। सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा, हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने कहा अनाथ हूँ और हमने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, शादी के लिए हाँ कर दिया था, ये भी हमारी गलती थी। मेरी साड़ी ठुकरा करके तुमने कहा कि अपनी बीवी को अपने पैसे से खरीद कर साड़ी पहनाऊंगा, तब मुझे फक्र हुआ था कि मेरी बेटी किस्मत वाली है, वो गलती थी मेरी। लेकिन
पहले से ही एक संबंध होने के बाद दूसरी शादी करने का पाप करने वाला इंसान हो ये पता नहीं था मुझे। अपनी भोली भाली शक्ल का फायदा उठाकर तुम दूसरों के अरमान से खेलते हो। निकल जाओ यहाँ से। आप बेमतलब गुस्सा हो रहे हो, ये सब कुछ वहाँ को पता है। आप एक बार उसे बाहर तो बुलाइए। उसे सब पता है और अपनी गलती मान चुकी है। अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और इसीलिए तुम्हारे सामने आने की बजाय वो अंदर बैठी हुई है। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, ये वहाँ को पता है। पहले वहाँ को बाहर बुलाइए। आप अभी उसे मिलने की बात कर रहे हो? तुम्हें छोड़ दो मुझे। सुनो मेरी बात सुनो मुरली, आपके बारे में हम सभी को पता है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है हम सबसे। वो लड़की और आप में कोई संबंध नहीं है। मेरी बेटी की कसम खाकर कहो, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? खाओ कसम। सच्चाई सामने आने के बाद और क्या सफाई देगा ये? तुम अंदर जाओ। महा, ए, तुम्हारा मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से भी लिया तो जुबान काट लूंगा। महा, उसका नाम मत लो। महा, ए! दादी माँ, आपका मेरी कसम है, आप बाहर मत जाइए। अरे उसने कुछ किया ही नहीं है तो बेमतलब का मार खाते हुए कैसे देख सकती हूँ तुम? तुम्हारा दिल है या पत्थर है? हाँ मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल तो एक पत्थर का है, पत्थर है। अब बेशर्मों की तरह यहाँ खड़े क्यों हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ, ए! इस आदमी का तू सपोर्ट कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? माँ, लगता है आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। चुप रहो, जो इसकी तरफ से बोलेगा वो मारा जाएगा। सब लोग अंदर जाओ, सुना नहीं? तुम अब आ रही हो महा? उतनी देर से क्या हो गया था तुम्हें? उन्होंने क्या कहा सुना तुमने? मैंने तुम्हें धोखा दिया है क्या? और मैं तुम पर अन्याय कर रहा हूँ क्या? मुरली, तुम चली जाओ यहाँ से। महा? हाँ मुरली, बहुत है। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा हो चुका मुरली। महा, क्या तुम बोल रही हो ये बात? इधर देखो, मुझे देखकर ये बात कहो। मैं यहाँ आ गया हूँ माँ, मैं तुम्हारे लिए ही लौट कर आया हूँ माँ। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हें और मुझे पता है। तुम्हें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दया करके मुझे जाने के लिए मत कहो। प्लीज मुरली, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ से चले जाओ मुरली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है माँ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। पर जाने से पहले मुझे एक सच बताओ कि तुम्हारे मन में मैं नहीं हूं, ये कह दो मुझे। बोलो, क्यों चुप हो गई महा? बोलो महा। नहीं हो, मेरे मन में तुम नहीं हो। जाओ, चले जाओ मुरली यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। थैंक यू महा, थैंक यू वेरी मच। मेरी वजह से आप लोगों को दुख मिला हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। चाचा जी चले गए। वो चला गया या उसे निकाल दिया? महा, जिस भगवान को गर्भगृह में रखना चाहिए तुमने उसे आंगन में फेंक दिया। जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया था, तुम्हारा काम होने के बाद तुमने उसे निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने महा, बहुत बड़ी गलती की है। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है,
उसे सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सच में खुश हूँ। एक बात तो सच है माँ कि मुरली की जिंदगी में ये परिवार और तुम इसके सिवा और कोई नहीं है। तुम सोच रही होगी तुम्हारे मना करने के बाद वो मेरे करीब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हारा पति हो सकता है लेकिन तुम्हारा पति मेरा प्यार नहीं बन सकता और ना होना चाहिए। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, जाओ उसे रोको और अपने पूरे मन से उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लो। ए, अपने प्यार की कुर्बानी देके उसे मेरी बेटी के साथ मत बांधो। पल पल में रंग बदलने वाला इंसान है वो। तुम चाहे जैसी भी हो पर मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है। जाओ यहाँ से। अपना मुंह बंद कर। कौन है ये लफंगा? बिना किसी का सर जाने उसे लफंगा कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं कांपती है क्या? असल में ये सब कुछ का कारण तुम्हारी बेटी ही है। माँ? और नहीं तो क्या। पहली बात तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है, पहले उसकी शादी करवाओ। मुरली तुम्हारा दामाद नहीं है और तुम्हारी बेटी उसकी पत्नी भी नहीं है। तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती थी वो तो मर गया और अगर तुम्हें वो पता चलेगा तो तुम उसकी दूसरी शादी करवा दोगे। इसी डर से किसी और को लेकर आकर प्यार का नाटक करके उसे अपने पति का नाटक करने के लिए कहा। हमारी जायदाद लेने से उसने मना कर दिया। वो इतना भी स्वार्थी नहीं था। सारी प्रॉपर्टी हंसते हंसते कुर्बान कर दी। वही असली अमीर आदमी है। तुम्हारी बड़ी बेटी का जीवन अंधेरे में गुजर रहा था तो उसके जीवन में रोशनी लाने वाला भगवान यही है। कितनी बार तुम्हारे मुंह से उसने गालियाँ खाई है उसका कारण यही है, तुम्हारी बेटी के लिए दया और उसके प्रति गुस्सा ना हो इसलिए। और आखिर में आज तुम्हारी बेटी के लिए मार भी खा कर चला गया। वो इतना अच्छा आदमी है, सच में पागल है वो। अगर ऐसा आदमी हमारे घर में दामाद बनकर नहीं आता तो इतने सालों से कमाई हुई हमारी प्रतिष्ठा और हमारा ये जो मान सम्मान मर्यादा सब कुछ लूट कर चला जाता वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नमस्ते सर। बेटा वक्त पड़ने पर झूठ बोलकर तुमने हमारे घर की इज्जत बचाई बेटा। हम समझ नहीं पाए और तुम पर शक किया बेटा और तुमसे न जाने क्या क्या कहा। मुझे माफ करो और घर वापस चलो। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे बेटा? दामाद जी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, हमें माफ करके साथ चलिए हमारे। मना मत करना मुरली। कम से कम वो बच्चे के लिए आ जाइए। चलिए कम से कम हमें एक मौका तो दो बेटा। हम कन्यादान करके गर्व से तुम्हें दामाद बनाना चाहते हैं। आओ दामाद जी अपने घर चलो। मुरली तो मेरे मन में नहीं हो ऐसा जब मैंने कहा था, वो सब झूठ कहा था। मैं भी सच कह रही हूँ मुरली, अगर तुम नहीं हो तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुरली आई लव यू। आई लव यू टू मा। आई लव यू। हेलो गुरु। अरे तुम यहाँ पर? हाँ गुरु, जैसे तुम्हें माँ मिल गई वैसे मुझे भी मेरी माँ मिल गई है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू यार, विश यू द सेम। थैंक यू। अब क्या सोच रही हो, हमारा भाई अब यही रहेगा।